Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Just give me a quick confirmation. I'm absolutely fine, Rahul. Thank you so much. सो गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हैड ए ग्रेट डे ओके तो आई होप आप लोगों ने वापस से सिक्स क्लास के रिकॉर्डिंग देखी होगी जैसा कि कल हमने डिस्कस किए थे कुछ एक डिफरेंट सिनेरियो थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा बार बार रिकॉर्डिंग देखने की उसको जरूरत थी एंड आई एम श्योर की कल जो हमारी लर्निंग थी उसके बाद में अगर आपने वापस से रिकॉर्डिंग देखी है मैंटोर से डिस्कस किया तो डेफिनेटली उसके अंदर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा एक दो बार और रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से लास्ट फिफ्टीन मिनट इज द बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस थैंक यू सो मच राजेश हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्लास हो उसका हम रिविजन कर लें फ्विटली ताकि वो और भी आप लोगों को हेल्प कर सके बट हाँ अगर कोई क्लास ऑलरेडी लॉन्ग चल चुकी है जिसके अंदर में हम ऑलरेडी धीरे धीरे चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर में रिविजन की हमें जरूरत पड़ेगी ओके okay, आज हमारी सेवंथ क्लास है जैसा कि मैंने बताया सिक्स क्लास कंप्लीटली डिफरेंट थी जिसमें हम मार्किंग सीख रहे थे जोन मार्किंग हमने किया कैंडल को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर में समझा आज थोड़ा सा चेंज होने वाला है मतलब आज से आप लोगों को एक अलग डायरेक्शन मिलने वाली है एक ट्रेड सेटअप हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं एंड डेफिनेटली जो आज की क्लास है कल की क्लास है वो हार्ड नहीं है और दोनों क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आज की क्लास में हो सकता है कि कुछ एक चीजें आपके माइंड को डिस्टर्ब करें लाइक ऐसा क्यों हो गया ये क्यों हो गया मेजॉरिटी ऑफ आंसर तो आपको आज ही मिल जाएंगे। बाकी उसके ऊपर में डिटेल में क्लैरिटी आपको कल और भी ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी कहने का मतलब आज की कल, कल की क्लास दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है मतलब ये कह सकते हैं आज पार्ट 1 है कल पार्ट 2 है Yes, उसी से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में जो लास्ट में रह गया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सभी लोगों को ध्यान से सुनना है सब चीजें एज यूजुअल ओके जतिन सर इज गुड अंशु सर इज गुड रवि सर इज गुड यस डेफिनेटली ऑल मेंटर्स आर वेरी गुड और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए मेंटल सपोर्ट से रिलेटेड देन आप लोग हमें बिल्कुल फ्रीली बता सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के यस रवि बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं आपका जो भी मेंटोर है ये आपको खुद को पता होना चाहिए ना आप स्टूडेंट सपोर्ट को कांटेक्ट कीजिए वो आपको बताएंगे आपके मेंटोर कौन है और आप अगर अभी भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो फिर आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट सपोर्ट को क्या आंसर मिल रहा है आपको स्टूडेंट सपोर्ट से जो चीज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है कि कितने सारे लोग हैं क्लास के अंदर में यहाँ पे जो चाहते हैं कि इमिडिएटली क्लास स्टार्ट हो और कुछ लर्निंग स्टार्ट हो अननेसेसरी क्वेश्चन आंसर की जगह कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उस चीज के लिए पैसे दिए हैं कि इमिडिएटली क्लास स्टार्ट होने के बाद में एक अच्छी लर्निंग एक अच्छे हमें मतलब कि सर से इनपुट ज्यादा से ज्यादा मिलते रहें। जो जिस चीज के लिए मेंटोर है जिस चीज के लिए स्टूडेंट सपोर्ट है अगर वही भी चीज मैं ही यहाँ पे आंसर करता रहूंगा अननेसेसरी तो आप लोगों का टोटल लॉस है एनीवेज कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड एनालिसिस से आज कुछ एक चीजें पढ़ने वाले हैं और उनके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी के लिए फिलहाल के लिए वो है ट्रेंड काफी इजी है आसानी से समझ में आ जाएगी सभी लोगों को ट्रेंड एनालिसिस सबसे पहली बात आप लोगों को आइडिया होगा कि ट्रेंड क्या चीज होती है कोई ऐसा जिसको पता नहीं हो कि ट्रेंड क्या होता है ओके okay, देखिए चार्ट के ऊपर मैं एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्टली कोई भी प्राइस डाउन डाउन आ रही है है बैक बैक टू रेड कैंडल बन चाहे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो लेकिन हम अगर ये देखें कि ओवरऑल जो प्राइस है वो वहां से डाउन आ रही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम कंटिन्यू अगर हम यही कहें कि ये प्राइस अगर अप जा रही है जैसे यहां से अप भी तो जा रही थी ना यहां से लेके यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर में एक अपट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू है बट एग्जैक्टली कहां से अपट्रेंड ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है कहां से डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम एनालाइज करना सीखेंगे इसके अलावा हमें ट्रेंड की और क्या जरूरत पड़ती है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ देखिए जोन जो हमने मार्किंग की है डिमांड जोन सप्लाई जोन वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ पे बायर होना कहाँ पे सेलर होना राइट right? कि डिमांड जोन पे हम बायर होंगे और सप्लाई जोन पे हम सेलर होंगे ये हम चीज सीख सकें ट्रेंड हमारी क्या हेल्प करते हैं कि जो हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क किए हैं उनमें से किस डिमांड जोन के ऊपर में हमें लॉन्ग होना है और किस सप्लाई जोन पे हमें शॉर्ट होना वापस से सुने स्टेटमेंट को जोन 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 हमारी जो zone, zone जो डिमांड सप्लाई हमने मार्क किए हैं वो हमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें डिमांड जोन पे बाई करना है सप्लाई जोन के ऊपर में सेल करना लेकिन ट्रेंड क्या हेल्प करते हैं ट्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि वाक्य में किस डिमांड जोन के ऊपर में बाई करना है और किस डिमांड जोन पे बाई नहीं करना मतलब ये ट्रेंड विल हेल्प एस टू डिसाइड वेदर टू गो लॉन्ग इन द डिमांड और सेल्स इन द सप्लाई और हम ये कह सकते हैं वी शुड बी बायर एट डिमांड इफ स्टॉक इज इन अप ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो हम डिमांड के ऊपर में बाई करना चाहिए अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करें तो इसका मतलब कही कहीं ना कहीं यह होगा कि डाउन ट्रेंड में है और फिर डिमांड जोन है तो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर सप्लाई के लिए भी स्टेटमेंट बनाऊं तो हम यही कहेंगे कि सप्लाई जोन में है और डाउन ट्रेंड के अंदर में है, तो हमें सेल करना चाहिए लेकिन अगर इसका अपोजिट है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू है लेकिन प्राइस सप्लाई जोन में जा रही तो ऐसे सप्लाई जोन को हम अवॉइड करें ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार अवॉइड करेंगे बट कब कब अवॉइड करेंगे वही चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे कहने का मतलब इन शॉर्ट ऐसा कि हर एक डिमांड जोन पे बाई नहीं हो सकता हर एक सप्लाई जोन के ऊपर में सेल नहीं हो सकता जरूरी यह है कि हमारा जो ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली चले अगर ट्रेंड अब ट्रेंड में है प्राइस और डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों है चार्ट के ऊपर में तो बेसिकली इस टाइप के सप्लाई जोन को तो छोड़ा जाए और डिमांड जोन के ऊपर में हमें लॉन्ग होने की सोचनी चाहिए अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है प्राइस के अंदर में तो और वहां पे भी चार्ट में डिमांड और सप्लाई दोनों है तो ऐसे केस के अंदर में सप्लाई पे तो शॉर्ट कर सकते हैं बट डिमांड अगर कोई है तो वहां पे हमें अवॉइड करने के लिए सोचना चाहिए ये इसकी डेफिनेशन है आप चाहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा कोई इश्यू नहीं है जरूरी है कि सबसे पहले प्रैक्टिकली ये देखें कि ट्रेंड को मार्क कैसे करेंगे देखिए चार्ट के ऊपर में हम एक स्टडी ऐड करेंगे और स्टडी ऐड करने का क्या है फॉर्मूला कि यहां पे जाइए राइट क्लिक कीजिए स्टडी और ऐड स्टडी एक बॉक्स ओपन हुआ इस टाइप का और आप चाहे तो डायरेक्टली भी चार्ट पे अगर एस प्रेस करेंगे तो भी यही बॉक्स ओपन होगा यहां से एवरेज सेलेक्ट कीजिए एवरेज में गए यहां पे कुछ एक एवरेज टाइप है जैसे कि सिंपल है एक्सपोनेंशियल है वेटेज है ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी के लिए बस जो एस लिखा हुआ है एस फॉर मतलब सिंपल हमें सिंपल ही मूविंग एवरेज काम में लेना यहाँ पे जो एवरेज पीरियड टेन है ना इसको हम फिफ्टी कर देते हैं हर एक स्टेप को ध्यान से सुनते जाइए सिंपल का सिंपल रहने दिया एवरेज पीरियड को हमने 50 कर दिया और हम इसे अप्लाई कर देंगे देखिए एक लाइन आ गई है चार्ट पे चार्ट के ऊपर में एक लाइन आ गई है जो कि ग्रीन और रेड लाइन है लेकिन ये काफी थिन है आप चाहते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा हम बोल्ड करें तो यहाँ पे जो स्टडी एड हुई है ना इस स्टडी पे क्लिक कीजिए डबल क्लिक एक पॉपअप ओपन हुआ वही जो इसकी सेटिंग वाला पॉपअप था ना वही ओपन हुआ सब ग्राफ के अंदर में जाइए और यहाँ पे इसके थिकनेस को बढ़ा दीजिए

10 को बस 50 कर कर दीजिए। सब पे पे गए, अभी साथ साथ ही चले जाते हैं हैं, हैं। और और इसकी बढ़ा देते देते ये देखिए देखिए हो गया। अब क्या होगा, जो हमने डे वन के ऊपर में कुछ एक टेम्पलेट सेव की थी कि हम अगर चार्ट को क्लोज कर रहे थे तो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट ओपन नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया था उस चार्ट को सेव कर लिया था उस टेम्पलेट को तो इसको भी हम क्या करते हैं चार्ट पे जाते हैं और सेव चार्ट टेम्पलेट

फिफ्टी का ही डेटा क्यों लिया ये सब चीजें आगे के लिए छोड़ दीजिए मूविंग एवरेज क्या होता है फिफ्टी कैसे काम करता है टेन कैसे काम करता है ये सब चीजें आगे के लिए छोड़ दीजिए अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ट्रेंड चेक करने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज फिफ्टी मैथमेटिकली सबसे बेस्ट प्रूवन मेथड है जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सबसे सिंपल क्यों है अभी आप लोगों को यहाँ पे प्राइस के ऊपर में ट्रेंड तो दिख गया अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो सुन लीजिए करंट कैंडल से स्टार्ट करते हैं करंट कैंडल को काउंट करते हुए सेवन कैंडल काउंट करनी है बैक साइड में डेफिनेटली कैंडल आगे की साइड में तो होंगी नहीं बैक साइड में ही होंगी तो ये है करंट कैंडल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गई सेवन आप चाहे तो इस टाइप से नंबर भी दे सकते हैं इसको जैसे कि ये वन टू थ्री फोर फाइव Six, seven. मैंने सबको से से दे दिया कि unnecessary हम symbol open करेंगे पे पे हमारा खराब होगा। आप लोग अपने वहां पे one, two, three, four, five, six, seven करके इस से दे सकते हैं। तो बेसिकली सेवन कैंडल हमारे पास में चार्ट में आ चुकी है अब सेवंथ कैंडल के ऊपर में क्या करना आप लोगों को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी कंफ्यूज ना करें कोई भी चीजें इसलिए मैं एक बार सब चीजें डिलीट कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी चार्ट के ऊपर में लाइनें हैं तो ये थी हमारी सेवन कैंडल और सेवन कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी है आप लोग जानते हैं चाहे तो सेटिंग से भी यहां से भी वर्टिकल लाइन लेके आ सकते हैं लाइन लाइन एंड वर्टिकल दोनों के शॉर्टकट लिखे हुए कंट्रोल प्लस वी के बाद में एक काम करें ये वर्टिकल लाइन जहां पे है वहां पे एक होरिजोनटल लाइन भी रख दे अब ये होरिजोंटल लाइन मैंने कहा रखी है जहां पे हमारा मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे हमारा मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे मैंने एक होरिजोनटल लाइन भी रख दी है कहने का मतलब ये कि वो पॉइंट जहां पे हमारी वर्टिकल लाइन सिंपल मूविंग एवरेज फिफ्टी को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एक होरिजोनटल लाइन रख दीजिए अब क्या करना है आपको ये मानना है कि ये जो दो एक्स एक्सिस बने हैं ना दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये जो यहां पर बने हैं इनको एक क्लोक मान लीजिए क्लॉक का मतलब ये कि यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे क्लॉक है और क्लॉक में ऊपर होते हैं ट्वेल्व यहाँ पे होता है थ्री यहाँ पे होता है सिक्स एक क्लॉक ऐसे ही तो काम करती है और यहां पे होता है 9. तो इमेजिन की ये एक क्लॉक बन गई है आपके पास में जहां पे ट्वेल्व थ्री सिक्स नाइन है ट्वेल्व से थ्री के बीच में अगर मूविंग एवरेज है और उसका कलर अगर ग्रीन है तो फिर हमारा ट्रेंड होगा अप थ्री और सिक्स के बीच में मूविंग एवरेज है और उसका कलर अगर रेड है तो हमारा ट्रेंड होगा डाउन वापस से सुन लीजिए ट्वेल्व और थ्री के बीच में अगर मूविंग एवरेज है और उसका कलर अगर ग्रीन है तो ट्रेंड होगा अप थ्री और सिक्स के बीच में मूविंग एवरेज है और उसका कलर अगर रेड है तो ट्रेंड होगा डाउन बेसिकली क्या है कि ट्वेल्व और थ्री के बीच में जब भी होगा ना तो कलर हमेशा ग्रीन ही मिलेगा और थ्री और सिक्स के बीच में जब भी होगा ना तो कलर हमेशा रेड ही मिलेगा अभी से कंफ्यूज ना हो कि थ्री और सिक्स के बीच में सर अगर कलर ग्रीन हो गए तो क्या करें ऐसा कभी भी नहीं होगा लेकिन कभी ऐसा हो कि अगर ये इसके बिल्कुल पैरल चल रही हो ये लाइन थ्री के पैरल मतलब कभी ग्रीन हो रहा है कभी रेड हो रहा है मिक्स चल रहा है क्योंकि थ्री के पैरल लाइन है अभी तो हमें पता है कि थ्री और सिक्स के बिल्कुल बीच में है बट कभी ऐसा हो सकता है ना थ्री के पैरल हो तो उस केस में ट्रेंड होगा साइड वेज इफ मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज को शॉर्टकट में मैं एमए से लिख रहा हूं इफ मूविंग एवरेज इज बिट्वीन ट्वेल्व टू थ्री एंड कलर ऑफ मूविंग एवरेज इज ग्रीन देन वी कैन से अप ट्रेंड इसी को कॉपी कर लेते हैं एक मूविंग एवरेज इज बिटवीन थ्री टू सिक्स कर देते हैं एंड कलर ऑफ मूविंग एवरेज इज रेड देन वी कैन से आर ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड ओके okay? और साथ में मैंने ये भी बताया अगर थ्री के पैरेलल है और कलर उसका अप एंड डाउन है तो इस केस के अंदर मुझे अकॉर्डिंगली है यस सिंपली दिख रहा है थ्री और सिक्स के बीच में है, कलर रेड है तो डाउन ट्रेंड है हमारा अगर इसी चार्ट के अंदर में या फिर कोई दूसरा चार्ट ओपन करते हैं ईटीसी का चार्ट है टाइम फ्रेम है वीकली देखिए करंट कैंडल ये है करंट कैंडल को इंक्लूड करना One, two, three, four, five, six, seven. ये हो गई सेवंथ सेवंथ कैंडल कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रो कर दीजिए ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई ये वर्टिकल लाइन मूविंग एवरेज को कहा इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर भी होरिजोनटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए हो गया अगेन ये क्लोक है ट्री एंड सिक्स अब देखिए मैं नाइन नहीं लिख रहा क्यों क्योंकि आपको पता कि कभी भी है ना जैसे कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ने ट्वेल्व और थ्री और थ्री और सिक्स के बीच में बताया लेकिन सिक्स और नाइन और नाइन और ट्वेल्व के बीच में क्या होगा वो नहीं बताया कभी भी प्राइस बैक साइड में वापस नहीं जाएगी प्राइस एक्शन हमेशा ऑलवेज आगे ही होगा तो हमेशा आपका जो फोकस होगा ना वो ट्वेल्व और सिक्स के बीच में रहेगा कभी भी बैक साइड में हो ही नहीं सकता मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि मूविंग एवरेज घूम जाए और घूमने के बाद में ये कुछ इस टाइप से हो जाए कि यहां पे चल रहा है यहां के बाद में ये ऐसे वापस घूम गया हो और ये आ गया हो सिक्स और नाइन के बीच में ऐसा कभी भी नहीं होगा या फिर ये घूम के आ गया हो नाइन और ट्वेल्व के बीच में तो उस वाले एरिया के ऊपर में फोकस नहीं करना है अब आप मुझे बताइए क्या ट्रेंड है इसका स आप ट्रेंड है कि आपको आने वाले टाइम के ऊपर में ना ये जो ड्रो कर रहे आप खुद ही ऐसे देखेंगे काउंट करेंगे डायरेक्टली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कैंडल पे आप एज्यूम करेंगे कि ये रही वर्टिकल लाइन अपनी मर्जी से भी ना ड्रो करें और फिर आप देखेंगे कि ये इसको यहां इंटरसेक्ट करेगी भी तो भी आप ट्रेंड दिख रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये देखेंगे कि हाँ यहाँ पे करंट पे फोकस करो करंट अगर ग्रीन दिख रही है तो आप ट्रेंड ही है और करंट अगर रेसेंटली रेड दिख रही है तो डाउन ट्रेंड है और अगर मिक्स ऑफ कलर है तो फिर साइड वेज है धीरे धीरे मैंने बताया ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो दो दिन के अंदर में इसमें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे फिर ये वर्टिकल लाइनें बार बार में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है तो सभी टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड होगा हर टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड चेंज हो सकता है अलग अलग हो सकता है जैसे वीकली के ऊपर में अप ट्रेंड है ना अगर इसी टाइम फ्रेम को मैं डेली करता हूँ तो डेली के ऊपर में देखेंगे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है क्यों देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और ये कहां कट कर रही है मूविंग एवरेज को यहां पे इस बार देखिए ट्वेल्थ थ्री सिक्स भी नहीं लिख रहा मैं आप खुद ही समझे ये, ये थ्री और सिक्स है तो ये क्या गया डाउन ट्रेंड हो गया हमारा अगर मंथली के ऊपर में देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक बार के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। no. अभी भी है, साइडवेज नहीं हुआ साइडवेज तब होगा जब इस लाइन के पैरेलल चले जैसे कि कहने का मतलब ये कि अगर ये मान के चलिए कि प्राइस कुछ इस टाइप से होती यहां पे होती ना यहां पे, तो इस केस के अंदर में हम ये कहते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये रही वर्टिकल लाइन और ये कहां कट कर रही है यहाँ पे तो अब देखिए ऑलमोस्ट इसके पैरल चल रहा है इस वाली लाइन के मूविंग एवरेज जब भी इस लाइन के पैरल चलेगा ना तो फिर हमारा साइड होगा कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है परफेक्ट कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा टाइम फ्रेम पे हम बिल्कुल भी नहीं आए हैं अभी बस ये देखेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना पॉइंट साथ में ही साथ मैंने दे दिया आपको कि डेली पे ट्रेंड कुछ और हो सकता है वीकली पे कुछ और हो सकता है मंथली पे कुछ और हो सकता है सेवेंटी पे कुछ और हो सकता है वन पे कुछ और हो सकता है फिफ्टीन मिनट पे कुछ और हो सकता है हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड हो सकता है हमें कौन सा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम काम में लेना है वो डिसाइड होगा हमारे ट्रेड सेटअप के ऊपर में कि हम ट्रेड सेटअप कौन से टाइम फ्रेम का ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ठीक है में किसी को कोई कंफ्यूजन क्या मुझे लिखने की जरूरत है सारी स्टेप या फिर हम टाइम बचाएं ओके okay, मैं नहीं लिखता एक काम करूंगा ये सब चीजें मैं अपने आप लिख के क्लास खत्म होने के बाद में मैं और उसका उस टाइप ग्रुप पे डाल दूंगा इज दैट ओके ओके ठीक है एक क्वेश्चन है कि सेवंथ कैंडल ही क्यों लेते हैं ये एकदम से प्रूवन है कि सेवंथ कैंडल बेस्ट टाइम फ्रेम बेस्ट ट्रेंड का आइडिया देगा हमें क्योंकि देखिए ट्वेंटी भी ले सकते थे फिफ्टी भी ले सकते थे बट सेवंथ कैंडल के अकॉर्डिंगली सिंपल मूविंग एवरेज बेस्ट आइडिया देता है उस ट्रेंड का हमें ओके ट्रेंड एनालिसिस हो गई अब ये बेसिकली हम कल पढ़ने वाले थे खैर कोई बात नहीं कल की क्लास ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी थी आज हमने पढ़ लिया अब आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ये भी आज के टॉपिक का पार्ट है आज का बेसिकली टॉपिक क्या है ट्रेडिंग ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं लिख देता हूं आज वाले टॉपिक का नाम

बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना वो कभी भी एक सिंगल टाइम फ्रेम पे ही सब चीजें प्लान नहीं करते हैं वो क्या करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम का आइडिया लेते हुए एक बेहतरीन ट्रेड प्लान करते हैं किसी टाइम फ्रेम पे वो जाके एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे सबसे पहले तो एक टाइम फ्रेम को तो बस बस एक बड़ी पिक्चर बिगर पिक्चर को देखने के लिए लेते हैं काम में कि हमें यहाँ पे बायर होना चाहिए या सेलर होना चाहिए वो टाइम फ्रेम बस हमें ये आइडिया देगा कि इस स्टॉक के अंदर में हमारे ट्रेडिंग के के अकॉर्डिंगली मतलब अगर इस स्टॉक को मैं नेक्स्ट टू डेज लिए देखूं तो फिर इसके अंदर में मुझे बायर होना है या सेलर होना है इसका आइडिया लेते हैं किसी एक टाइम फ्रेम पे जाके हो सकता है कि उसी स्टॉक के अंदर में कोई दूसरा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करे और वहां पे जाके वो ट्रेंड देखें कि हम जो प्लान बना रहे हैं बाइंग का क्या उसे अब ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है क्या अगर हम प्लान कर रहे हैं सेलिंग का तो क्या उसे डाउन ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है क्या और ये आइडिया वो दूसरे किसी टाइम फ्रेम पे जाके लेते हैं और किसी तीसरे टाइम फ्रेम पे जाके फिर वो प्लान करेंगे एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट बट अभी तक हम क्या कर रहे थे एक सिंगल टाइम फ्रेम पे कर रहे थे वही चीजें रहेंगी मार्किंग वगैरह सब कुछ वही रहेगी एंट्री स्टॉप लॉस भी वही रहेगी बस टाइम फ्रेम अलग अलग हो जाएंगे उसके क्या बेनिफिट होंगे वो अभी आपको क्लास में समझ में आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को जैसा कि मैंने बताया जो प्रो ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो डिफरेंट टाइम फ्रेम की अप्रोच को काम में लेते हैं एक अच्छी ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि हमें बायर होना है या सेलर होना है किसी टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और फिर कहीं जाके किसी टाइम फ्रेम के ऊपर में वो एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करते हैं अब ये टाइम फ्रेम का सेट कैसे बनता है वो डिपेंड करता है इस टाइप के ऊपर में कि आप ट्रेडर किस टाइप के हैं आप इंट्राडे ट्रेडर हैं क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं क्या या फिर आप मतलब ये होता ना कि काइंड kind ऑफ of की एक मंथली ट्रेडर कि कोई मैं ट्रेड ले रहा हूं वन टू मंथ के लिए या फिर एक होता ना कि एक मैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडर तो उस चीज के ऊपर मैं इन टाइम फ्रेम के सेट बनेंगे अब वो सेट बनाते हैं कि वो सेट कैसे काम करते हैं एक एक्सेल ओपन करता हूं यहां पे सबसे पहले क्या है ट्रेडिंग पर्पस कि आपका ट्रेडिंग पर्पस क्या है और ये ट्रेडिंग पर्पस हम यहां पे लिखेंगे और उस ट्रेडिंग पर्पस के बाद में मैं लिख रहा हूं कुछ एक और चीजें जैसे कि लोकेशन या फिर लोकेशन टाइम फ्रेम लोकेशन को बेसिकली कारोबी बोलते हैं फिर है ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम और फिर है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम तो बेसिकली तीन टाइम फ्रेम हो गए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एक टाइम फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं जो लोकेशन टाइम फ्रेम है ना इसको बेसिकली हायर टाइम फ्रेम भी बोला जाता है और जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है ना इसको बोला जाता है लोअर टाइम फ्रेम एक हो गया हायर टाइम फ्रेम एक हो गया लोअर टाइम फ्रेम तो एक बीच वाला जो बच गया है ना इसको रख दीजिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम तो बेसिकली तीन टाइप शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं हायर टाइम फ्रेम को एच टी एफ ये शॉर्टकट है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को आई टी एफ और लोअर टाइम फ्रेम को एलटीएफ ये मैंने इन तीनों वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने काम में लिया हायर टाइम फ्रेमीडियट और मैंने बताया कि हायर टाइम फ्रेम को हम लोकेशन टाइम फ्रेम या फिर भी बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम भी बोलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम को एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम भी बोलते हैं ये इनके ही अलग अलग नाम है अभी ये चाहे कि हम कंफ्यूज ना हो तो सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि हमारे पास में बेसिकली तीन टाइप के टाइम फ्रेम होंगे एक 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 हायर एक लोअर और एक उनके बीच का का फ्रेम फ्रेम क्लियर है अब इन तीनों टाइम का काम क्या क्या है सबसे पहले तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है ना उसके ऊपर में हम ये पिक्चर देखेंगे कि हमें बायर होना या सेलर होना बस कि इस स्टॉक के अंदर में हमें बायर होना या सेलर होना इसीलिए इसको बोलते हैं लोकेशन या कर टाइम फ्रेम लोकेशन फिर कर टाइम फ्रेम की अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो वो वो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कर्व टाइम फ्रेम जो है या फिर लोकेशन टाइम फ्रेम है वो हमें एक आइडिया देता है कि हम अभी इस स्टॉक के अंदर में जो हमारा व्यू बना रहे हैं वो लॉन्ग का बनाए या फिर शॉर्ट का बनाए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम अभी अभी हम चेक करके आए ट्रेंड चेक करना होगा इस टाइम फ्रेम पे इट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम बस यहां पे हमें एंट्री लॉस और टारगेट प्लान करने हैं। अब ये तीनों टाइम फ्रेम कैसे कैसे काम करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रेडिंग पर्पस कैसा है अगर ट्रेडिंग पर्पस की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे मैं आर्ली इनकम ट्रेड का में ले रहा हूं यस yes, वापस से रिपीट करूंगा डोंट वरी सारी चीजें आर्ली इनकम ट्रेड के बाद में मैं काम में ले रहा हूं डेली इनकम ट्रेड फिर मैं ले रहा हूं मंथली इनकम ट्रेड इस टेबल को मैं बहुत सिंपलीफाई कर दूंगा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस टेबल में ओके वीकली कर लेते हैं मंथली को यहां कर देते हैं वीकली इनकम ट्रेड और भी बढ़ा सकते हैं के बाद में कौन बड़ा, फिर चाहे तो आप हाफ ईयरली कर सकते फिर चाहे तो ईयरली कर सकते हैं एक बार के लिए बस इतना ही रखते हैं टेबल को लॉन्ग नहीं करते और अगेन देखिए यहाँ पे जो एस टी एफ आई टी एफ एल टी एफ लिखा ना इनके भी फॉर्म लिख देते हैं आर्ली इनकम ट्रेड जो है इसकी शॉर्टकट रख देते हैं एच आई टी डेली इनकम ट्रेड जो है इसकी शॉर्टकट कर देते हैं डीआईटी फर्स्ट लेटर ले रहा हूं काम में और जो वीकली इनकम ट्रेड है इसके शॉर्टकट कर देते हैं टी मंथली इनकम ट्रेड जो है इसकी शॉर्टकट कर देते हैं एम तो बेसिकली अभी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं चार टाइप की ट्रेडिंग से फोर टाइप ऑफ ट्रेडिंग सबसे पहले एक हो गया हार्डली और फिर मंथली और हम जैसे जैसे आगे चाहें इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं अब देखिए सबसे पहले तो जो हायर टाइम फ्रेम या लोकेशन टाइम फ्रेम है ना यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग पर्पस है ना वो एज इट इज कॉपी होगा अगर मैं ये कहूँ कि ट्रेडिंग पर्प आर्ली है तो आर्ली को हम 60 मिनट ही तो लिखते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए 60 मिनट अगर ट्रेडिंग पर्पस डेली है तो डेली अगर ट्रेडिंग पर्पस वीकली है तो वीकली और ट्रेडिंग पर्पस मंथली है तो मंथली अगर इसी को और आगे करना होता क्वार्टरली तो यहां पे क्वार्टरली लिख देते हाफ ईयरली इनकम ट्रेड होती तो यहां पे हाफ ईयरली लिख देते ईयरली इनकम ट्रेड होती तो यहां पे ईयरली लिख देते अब देखिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जैसा कि मैंने बताया कि देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना पहले हायर है फिर इंटरमीडिएट है फिर लोअर है मतलब वन स्टेप डाउन जा रहे हैं ना तो बस इन्हीं के वन स्टेप डाउन जाते रहेंगे मंथली की तो वन स्टेप डाउन हमें पता है वीकली की भी पता है बट मिनट की वन स्टेप डाउन क्या होती है ऐसा नहीं की फिफ्टी नाइन मिनट या फिर फिफ्टी फाइव मिनट इसके लिए जो बेस्ट है वो होता है फिफ्टीन मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो फिर अगली जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना जो बेस्ट होता है वो होता है फाइव मिनट डेली इनकम ट्रेड की बात करें तो डेली इनकम ट्रेड के अंदर में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा हमारा जो यहां था ना इसको रख दीजिए सिक्सटी मिनट और यहां पे क्या करना है जो ये वाला था ना ये रख दीजिए क्योंकि देखिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाउन जाते जा रहे हैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आप मुझे ये बताइए कि यहां पे क्या आना चाहिए यस yes, सिंपल है इस वाले डेली को यहां रख देते हैं ये हो गया है डेली और यहां पे क्या आना चाहिए यस yes, इस वाले को यहां रख देते हैं सिक्सटी मिनट अब बताइए यहां क्या आना चाहिए वीकली और यहां पे डेली अगर यही मैं ये कहता क्यू आई टी होता शॉर्टकट में डायरेक्टली समझते क्यू आई टी क्वार्टरली इनकम ट्रेड तो यहां पे क्या आता क्वार्टरली यहां पे क्या आता मंथली और यहां क्या आता वीकली अगर यही ये, ये कहें कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को भी बेसिकली एच बोला जाएगा क्योंकि शॉर्टकट तो वही हुई बस इस एच और इस एच में आर्ली इनकम ट्रेड में आप कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं हाफ ईयरली क्या आना चाहिए हाफ ईयरली यहां पे इस वाले क्यू को ले लेते हैं क्वार्टरली यहां पे मंथली अब इसको आगे और भी बढ़ाना चाहे ईयरली इनकम तो यहां पे, आ जाएगा yearly, यहां पे हमारा आ जाएगा हाफ ईयरली और यहां पे हमारा जाएगा इतनी लंबी टेबल नहीं रखेंगे बस ये आपको समझाने के लिए बताया है इतनी लंबी टेबल अभी से याद करने की जरूरत नहीं बाकी ये याद तो क्या करना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में तो जा रहे हैं हमें पता है ईयरली के बाद में हाफ ईयरली आता है चार्ट पे क्लियर है बिल्कुल ये देखिए यहां पे ईयरली है फिर हाफ ईयरली है फिर क्वार्टरली मंथली वीकली डेली ये सारे टाइम फ्रेम हैं ओके okay. अब ठीक है यस yes, वो टाइपिंग एरर था यहां पे वीकली आएगा क्वार्टरली क्वार्टरली के बाद में मंथली मंथली के बाद में वीकली और ये सारे टाइम फ्रेम अगेन वही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में अब इस वाली चीजों को एक बार के लिए वापस से हटा देते हैं टेबल पे बस यहां तक ही कंसंट्रेट करते हैं देखिए फोर टाइम फ्रेम ही ले रहे हैं अभी के लिए मंथली के लिए मंथली वीकली डेली हो गया वीकली के लिए वीकली डेली 60 मिनट हो गया डेली के लिए ये हो गया आवरली के लिए ये हो गया अब 16 के बाद में 15 इसी वजह से लिया जाता है क्योंकि 16 के बाद में जो जो सबसे सबसे डाउन टाइम फ्रेम और जो सबसे बेस्ट है ना मैथमेटिकली प्रूवन वो 15 मिनट ही है ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30 मिनट ले लें 45 मिनट ले लें 60 के बाद में जो नेक्स्ट सेट आता है ना जैसे वीकली के बाद में डेली आया तो ये मान लीजिए सिक्सटी के बाद में नेक्स्ट है ना फिफ्टीन मिनट ही बेस्ट है और फिफ्टीन के बाद में फाइव मिनट ही बेस्ट है, है ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अब यहां पे थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं जो कि साथ साथ में मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं जहां जहां ये 60 मिनट है ना आप यहां पे चाहें तो 75 मिनट भी कर सकते हैं सिमिलरली यहां पे जो 60 मिनट है यहां पे भी आप चाहें तो 75 मिनट भी कर सकते हैं और सिमिलरली अगर यहां पे सिक्सटी मिनट है तो यहां पे सेवेंटी भी कर सकते हैं और यहां पे मैं आपको एक दो टाइम फ्रेम और दे रहा हूं सिक्सटी 75, ट्वेंटी और टू फोर्टी यहाँ पे फोर टाइम फ्रेम आपको मिल गए इनके फोर की क्या जरूरत है फोर ही क्यों ले रहे हैं एक पे क्यों नहीं ले रहे बिल्कुल एक पे भी कर सकते हैं चार हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग अलग रोल होगा इनका चार में से कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा वो भी बताया जाएगा यहाँ पे सिक्सटी या ले, ले या सेवेंटी फाइव ले अभी चाहे आप कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आगे चल के आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन से पे ज्यादा फोकस करना सेवेंटी फाइव पे या सिक्सटी के ऊपर में रिफाइनिंग टाइम फ्रेम होता है कि यहाँ पे कुछ लोग 5 को थ्री भी कर देते हैं वो आप करना चाहें तो कर लीजिए को 10 भी कर लेते हैं बट अभी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा ताकि अननेसेसरी लोग कंफ्यूज ना हो जाए आगे चल के ऐसा होगा कि फाइव मिनट पे अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो मे बी हम थ्री मिनट पे देखें फिफ्टीन मिनट पे नहीं मिल रही है तो मे बी हम ट्वेंटी फाइव या फिर टेन मिनट पे देखें बट अभी के लिए टेबल को बस इतना ही छोड़ देते हैं ताकि सबको इजी लगे समझने में

और मंथली की है तो मे बी की हम कुछ दिन की बात कर रहे हैं फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज मे बी वन मंथ मे बी वन पॉइंट फाइव मंथ टू मंथ इस टाइम फ्रेम की बात कर करो तो जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं तो उतने ही हम दिन बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंदर में तो ये बेसिकली हर एक ट्रेडर के लिए ये आई एम श्योर आप सब लोग इन चीजों से अवेयर है क्योंकि देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कुछ लोग लिमिट लेके और इंट्रा डे के अंदर में भी ऐसा आना है कि आज लिया अभी के अभी बेच दिया ये कुछ लोग नहीं कि अभी लू कुछ देर बाद में बेचू तो ये बस इंट्रा की ही स्टाइल है तो ये बेसिकली चार स्टाइल है ट्रेडिंग करने की और इनके आगे की भी स्टाइल हमने लिखी है। और ये जो चार स्टाइल है ना ये बस एज इट इज हायर टाइम फ्रेम पे लगती है मतलब जो भी आप ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करेंगे ना कि मुझे इस टाइप की ट्रेड ढूंढनी है सिस्टम में आपने ये डिसाइड किया कि मुझे तो कोई ऐसी ट्रेड देखनी है जो इंट्राडे हो तो फिर ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना सबसे पहले तो उसी टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे और उस टाइम फ्रेम पे हम ये चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे बायर होना है या सेलर होना है आप ये सोचें कि यार कोई स्विंग ट्रेड ढूंढनी है मुझे कोई भी स्टॉक मान लीजिए जैसे कि टेक महिंद्रा मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि टेक महिंद्रा के अंदर में ढूंढे स्विंग, स्विंग ट्रेड का मतलब वीकली इनकम ट्रेड आप तो सबसे पहले वहां पे वीकली का ही चार्ट ओपन होगा और वीकली का चार्ट पे हम एंट्री स्टॉप लॉस प्लान नहीं करेंगे वीकली के टाइम यहाँ पे बायर होना है या सेलर होना वो देखना मैं अभी आपको बताऊंगा वहां पे चेक ये करना कि बायर होना या सेलर होना आप ये सोचे कि कोई ऐसी ट्रेड लेते हैं जो कि मतलब वीकली से भी ज्यादा स्विंग से भी थोड़ी दूर की हो मतलब जो कि हो सकता है टेन डेज भी लगे हो सकता है फिफ्टीन डेज वन मंथ टू मंथ ऐसा कुछ तो फिर उस केस के अंदर में आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लॉट नहीं होंगे मंथली टाइम फ्रेम हमें बस ये आइडिया देगा कि हमें यहाँ पे बायर होना या सेलर होना सारे क्वेश्चन आप लोग होल्ड कर लीजिए कि किसको प्रायोरिटी देंगे मे बी आप जो पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप वही हो कि मैं उसी चीज पे आने वाला हूं ओके okay? तो ये टाइम फ्रेम हो गया और ये जो टाइम फ्रेम है वही है हमारा हायर टाइम फ्रेम जिसके ऊपर में बस ये चीज चेक करेंगे हमें बायर होना या सेलर होना वापस से लोकेशन या फिर कर्व के डेफिनेशन बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा लोकेशन मार्किंग या फिर कर्व मार्किंग कि लोकेशन को कैसे मार्क करते हैं कर्व मार्किंग क्या होती है प्रैक्टिकली कैसे होगी वो अभी हम सीखेंगे लेकिन होती क्या चीज है क्यों करते हैं बस इसलिए ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें बायर होना है या सेलर होना उसके बाद में अगले वाले टेबल की बात करेंगे पहले लोकेशन मार्किंग कर लेते हैं लोकेशन के बाद में इन दोनों चीजों पे आएंगे ठीक है तो लोकेशन मार्किंग के ऊपर में सबसे पहले चलते हैं देखिए सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे मैंने स्टॉक ओपन किया पीएनबी हाउसिंग कौन सा टाइम फ्रेम है आपके सामने मंथली और मैं ये कहूंगा मंथली से स्टार्ट करूंगा तो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पे, चार्ट पे? कौन सी टाइप की ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं अगर टाइम फ्रेम मंथली ओपन किया और मैं ये कह रहा हूँ लोकेशन मार्क करने जा रहा हूँ अभी मार्क कैसे होगा वो अभी हम सीखेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोकेशन मार्क करेंगे अभी हम एक बार एक्सेल देख लीजिए वापस से अगर मंथली ही डायरेक्टली ओपन किया और बात कर रहा हूं लोकेशन मार्किंग की ट्रेंड देखने की नहीं मंथली के ऊपर में लोकेशन मार्किंग की तो मतलब हम फोकस कर रहे हैं मंथली इनकम ट्रेड पे ये थॉट बिल्कुल निकाल दीजिए कि मंथली पे ही चार्ट ओपन क्यों कर रहे हैं सर मंथली इनकम ही क्यों कर रहे हैं वीकली इनकम क्यों नहीं कर रहे डेली इनकम क्यों नहीं कर रहे कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए अगर वीकली ओपन करता तो मतलब वीकली ढूंढ रहे होते डेली ओपन करता तो मे बी डेली बट एक साथ में तो सारे टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल नहीं हो सकते ना तो हम बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मंथली का ले लिया फिर वीकली पे आ जाएंगे तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि एक मंथली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है और मंथली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे लोकेशन मार्क करना है लोकेशन मार्क इसलिए करना है ताकि वो हमें आइडिया दे दे कि बायर होना या सेलर होना है तो टाइम फ्रेम भी ओपन होगा मंथली लोकेशन क्या होता है कैसे मार्क करते हैं अब बात करते हैं उसके ऊपर में आई एम श्योर सब लोगों को डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करने आते होंगे यहां पे अगर आते हैं तो यहां पे करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है अभी लाइव चाहे मंथली की कैंडल हो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्लोज हुई है ना हुई हमें कोई इश्यू नहीं हमें तो बस करंट मार्केट प्राइस ब्रो करनी है ये हो गई करंट मार्केट प्राइस एक हो लाइन ब्रो कर दी डिमांड जोन के लिए हम क्या करते हैं लुक लेफ्ट एंड डाउन यही करते हैं सप्लाई जोन के लिए लुक लेफ्ट एंड अप यहां पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों मार्क करने हैं एक फ्रेश डिमांड मार्क करना है और एक फ्रेश सप्लाई मार्क करना है बस इतना सा काम करना है एक फ्रेश डिमांड जोन और एक फ्रेश सप्लाई जोन वो दोनों के दोनों फ्रेश होने चाहिए इतना सा काम आप लोगों को करना है लुक लेफ्ट एंड डाउन किया तो ये रही ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ये रही बेस कैंडल ये रही लेग इन कैंडल एक आरबीआर पैटर्न है सिंगल बेस कैंडल है मार्किंग अगर करनी हो तो ये रही प्रोक्सीमल लाइन ये रही डिजिटल लाइन डिमांड जोन मार्क हो गया क्या ये फ्रेश है यस yes, ये फ्रेश है और इस लाइन को मैंने सीएम नाम दे दिया ये डिमांड जोन फ्रेश है तो डिमांड जोन मार्क हो गया अब सप्लाई जोन पे चले एक ही मार्क करना है एक ही मार्क करना है अब बात करते हैं सप्लाई जोन पे इस लाइन के ऊपर चलते हैं प्राइस कहां से स्टार्ट है यहां से ये रहा है ये भी ड्रॉप ही है कितनी बेस कैंडल है ओके okay, कुछ लोग थ्री कुछ लोग फोर दोनों सही हैं दोनों सही हैं अपनी जगह पे कोई इश्यू नहीं कुछ लोग थ्री लिख रहे हैं कुछ लोग फोर लिख रहे हैं एक काम करते हैं फोर से कंसिडर कर लेते हैं थ्री से भी कंसिडर करके बता दूंगा अभी के लिए फोर से कंसिडर कर लेते हैं अगर फोर से कंसिडर करें तो मार्किंग सही है क्या यस लोवेस्ट बॉडी हाईएस्ट वीक यही तो रूल होता है प्रोक्सीमल लाइन का और लाइन का डिमांड जोन भी मार्क हो गया सप्लाई जोन भी मार्क हो गया ये लोकेशन मार्किंग कर रहे हैं देखिए हम कर रहे हैं लोकेशन मार्किंग या फिर बोल दीजिए कर मार्किंग दोनों नाम एक ही है अगर मैं कभी कर मार्किंग बोल रहा हूँ कभी लोकेशन मार्किंग बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों की दोनों चीजें एक ही है और लोकेशन मार्किंग की अभी है हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर में और वो क्या है करंट मार्केट प्राइस मार्क करो और एक नियरेस्ट फ्रेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट फ्रेस्ट सप्लाई जोन मार्क करो ये है फर्स्ट स्टेप लोकेशन मार्किंग की लिख देता हूं यहां पे ये वाला जरूरी है थोड़ा सा लोकेशन मार्किंग और वी कैन से कर मार्किंग स्टेप्स मार्क नियरेस्ट प्रेस डिमांड जोन जोन। एंड सप्लाई ये कर चुके हैं हम ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन स्टेप ये है डिवाइड दिस एरिया। डिवाइड कैसे करेंगे आपको याद होगा कि डे वन हमने एक सेटिंग की थी रिट्रेसमेंट सेटिंग सेटिंग यहां पे देखिए रिट्रेसमेंट ये वाली सेटिंग याद है सबको जहां पे हमने कुछ अननेसेसरी के नंबर हटाए थे और कुछ एक नए नंबर ऐड करे थे 33.33, 66.66 और 100। ये क्या चीज हमने की थी 100 को और जीरो को बेसिकली थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था थ्री इक्वल पार्ट तभी तो बनेंगे ना थर्टी 66.66 तभी तो बने ना थ्री इक्वल पार्ट अब ये काम कैसे करता है यहां पर जाइए रिट्रेसमेंट लाइन इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर अब देखिए कर्सर के साथ में एक बॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को इस प्रोक्सीमल लाइन को लीजिए सप्लाई जोन की प्रोक्सीमल लाइन को और यहां पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करें और प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन पे लाके छोड़ दें वापस से बता रहा हूं डिलीट करके सब चीजें हमने एक नियरेस्ट फ्रेस्ट डिमांड और एक नियरेस्ट फ्रेस्ट सप्लाई जोन मार्क कर दिया यह है नियरेस्ट फ्रेस्ट डिमांड जोन और ये है सप्लाई जोन डिमांड मार्क हो गया सप्लाई मार्क हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या की है इस एरिया को हमें डिवाइड करना यूजिंग रिट्रेसमेंट टूल रिट्रेसमेंट टूल कहां से लेके आए यहां से जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल पर सार नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट ही यूज करूंगा देखिए माउस के बाद में एक यहाँ पे टूल अटैच हो गई है माउस के साथ में या तो प्रोक्सीमल लाइन लीजिए सप्लाई जोन की ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन पे लाके छोड़ दीजिए या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड पे क्लिक कीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोक्सीमल लाइन ऑफ सप्लाई पे छोड़ दीजिए दोनों एक ही बात है कोई चेंजेस नहीं है दोनों केस में हमने क्या किया है इन दोनों लाइन को दोनों डिमांड जोन की प्रोक्सीमल लाइन को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे आप देख लीजिए चाहे देखिए जीरो से हंड्रेड है तो थर्टी थ्री थ्री थर्टी थ्री पॉइंट का पोर्शन ये उसके आगे का पोर्शन ये उसके आगे का पोर्शन और इन सब के अंदर में प्राइस भी लिखी हुई है फोर फिफ्टी से लेके फाइव जीरो सेवन फाइव जीरो सेवन से लेके फाइव सिक्सटी फाइव फाइव सिक्सटी फाइव से लेके सी इक्वल पार्ट के अंदर में डिवाइड किया हमने रिट्रेसमेंट टूल से अब ये रिट्रेसमेंट टूल से डिवाइड करने के बाद में इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ

प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रोक्सीमल ऑफ सप्लाई जोन या फिर प्रोक्सीमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन टू प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन दोनों एक ही बात है। स्टेप टू कंप्लीट अब उसके बाद में आगे आते हैं रूल्स नंबर वन इफ करंट मार्केट प्राइस सी एम पी इज ट्रेडिंग एट लो ऑन द कर क्या होता है वो बताऊंगा अभी एक्शन होगा बाई बेसिकली जो थ्री इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना वन टू थ्री इनको हम क्या कर देते हैं यहां पे नाम दे देते हैं जो लोअर है इसको नाम दे दिया लो ऑन द कर और जो हायर है इसको नाम दे दिया हाई ऑन द कर तो बीच वाला पोर्शन रह गया इसको हम नाम देते हैं इक्म लो ऑन द करियम हाई ऑन द कर तो पोर्शन हो गए ये इनके अलावा एक एक पोर्शन और है एक है डिमांड जोन का पोर्शन एक है सप्लाई जोन का पोर्शन लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे देखिए डिमांड जोन की लेंथ इतनी सी है सप्लाई जोन कितनी है सप्लाई जोन काफी वाइड है ना वो कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन तीन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है ये वाले जो हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन इनकी चाहे कुछ भी हो ये तो जो चार्ट हमें देगा बेस कैंडल के अकॉर्डिंगली जो मार्किंग होगी वही होगी इनको भी अब नाम दे देते हैं जो लो इन द कर के नीचे वाला जो एरिया है डिमांड जोन उस डिमांड जोन को बोल देते हैं वेरी लो इन द कर अब आप बताइए सप्लाई जोन के ऊपर वाले एरिया को क्या बोलेंगे मतलब जो सप्लाई जोन वाला एरिया है हाई ऑन द कर के ऊपर वाला यस very high on the curve तो बेसिकली थ्री पार्ट जो इक्वल थे उनके तो नाम दे दिए हाई ऑन ऑन द द द कर्व 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 एंड लो लो इन से जो जो नीचे वाला एरिया है है डिमांड जोन वाला उसे नाम दे दिया वेरी लो ऑन द कर्व हाई ऑन द कर्व से जो ऊपर वाला एरिया सप्लाई जोन वाला उसे हमने नाम दे दिया वेरी हाई ऑन द कर्व अब हमारे पास में होगा टोटल फाइव सेक्शन अब इन फाइव सेक्शन के ऊपर में क्या क्या एक्शन होंगे वो एक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिए इफ करेंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन द कर बाई हमें बाई करना है कहां करना है यहां पर नहीं कि रैंडमली अभी सिर्फ एक्शन लिखिए बाई देखिए अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बाई किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे होगा इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट वेरी लो ऑन द कर्व देन हमारा एक्शन होगा डेफिनेटली बाई इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन द कर सॉरी हाई ऑन द कर्व देन हमारा एक्शन होगा सेल इफ करेंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट वेरी हाई ऑन द कॉल तो क्या एक्शन होगा यस डेफिनेटली सेल बेसिकली फोर स्टेप तो लिख दिए हम क्या कर रहे हैं लो ऑन द कर और वेरी लो ऑन द कर में तो बाई कर रहे हैं हाई ऑन द कर और वेरी हाई ऑन द कर में सेल कर रहे हैं एक पोर्सन बच गया इक्विलिब्रियम वाला करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट इक्विलिब्रियम देन एक्शन होगा गो विद्रेंड अब बेसिकली ऑल फाइव जो सेक्शन हमने बनाए थे वो सबके सब लिख दिए एक बार वापस से देख लिया क्या किया है लोकेशन मार्किंग के लिए सबसे पहले तो एक नियरेस्ट्रेस्ट डिमांड जोन मार्क किया है एक नियरेस्ट्रेस सप्लाई जोन मार्क किया है और उसके बाद में उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन को प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन को हमने

आप मुझे बताइए कि ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहिए अगला स्टेप ट्रेंड चेक करना ये रही एक्सेल आपके सामने यस वीकली पे चेक करेंगे देखिए ट्रेंड हमेशा होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेक हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे लोकेशन मार्किंग होगी उस ट्रेड का जो ट्रेडिंग पर्पस है उसके ऊपर में ट्रेंड होगा इंटरमीडिएट पे, मतलब उससे एक स्टेप हम डाउन आएंगे और यहां पे लिख रखा कि मंथली की वन स्टेप डाउन कौन सी है वीकली वीकली पे जाकर ट्रेंड चेक करेंगे मंथली से मैं वीकली पे जा रहा हूं क्या ट्रेंड लग रहा है आपको अगर कंफ्यूजन है तो अभी कर लेते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है सिक्स कैंडल सॉरी एंड ये है सेवंथ कैंडल इस सेवंथ कैंडल के ऊपर में हम जाए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन अब बताइए क्या ट्रेंड है इसका यस yes, पहले हम कह सकते हैं कि पहले यहां तक साइडवेज था बट अब देखिए बिल्कुल क्लियरली ये लाइन ऊपर उठ चुकी है ना अब ये लाइन क्लियरली ऊपर उठ चुकी है तो ये हो गया हमारा अपट्रेंड तो अब आप मुझे यह बताइए कि हमें बेसिकली बाई की तरफ सोचना चाहिए सेल की तरफ सोचना चाहिए वापस से मैं मंथली के ऊपर में जा रहा हूं और प्राइस है कौन से सेक्शन में अभी अभी प्राइस कौन से सेक्शन में है इक्विलिब्रियम में है ये देखिए ये रही करंट मार्केट प्राइस और ये इक्विलिब्रियम सेक्शन के अंदर ही तो है इक्विलिब्रियम में हमें ट्रेंड ही चेक करना है जो कि हम चेक करके आ चुके हैं ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे वीकली के ऊपर में जाके अब ट्रेंड हमें मिला यस इक्विलिब्रियम में जब भी है गो विद द ट्रेंड और अगर लोइंग द कर्व होती तौर प्राइस और वेरी लो इन द कर होती तो डेफिनेटली बाई कर रहे थे बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर बार ट्रेंड चेक करें अगर आपको यह चाहिए ना एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो हर बार ट्रेंड चेक करें भले ही यहां पे लो इन द कर हो लो इन द कर के अंदर में अगर आपका ट्रेंड डाउन है ना तो वो रिस्की है ऐसा नहीं कि लो इन द करव है तो हमें की तरफ सोचना चाहिए अगर ट्रेंड डाउन निकल गया ना गलती से तो रिस्की है वेरी लो इन द कर में आप फिर भी ट्रेंड को एक बार के लिए इग्नोर करने का सोच सकते हैं बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वहां पे भी ट्रेंड को चेक करें देखिए कुछ एक मल्टीपल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हर एक चीज का समझने का तरीका यही होता है कि जितने हो सके उतने एग्जाम्पल डिस्कस करते जाओ वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी अभी वाले एग्जाम्पल में हमें इक्विब्रियम मिली है तो हो सकता कि अगले किसी के अंदर में कहीं दूसरी जगह पर मिले इक्विब्रियम है हमने ट्रेंड चेक किया इक्विब्रियम के अकॉर्डिंगली ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड मिला अब हम बाई कर सकते हैं बाई के लिए हमें क्या चाहिए एंट्री स्टॉपलॉस टारगेट वो हम कहा प्लान करेंगे डेली के ऊपर में डेली पे क्यों कर रहे हैं क्योंकि डेली ही है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगी इसलिए है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम ट्रेड एग्जीक्यूट होगी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पे ही होंगे मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ही होंगे और अगर एक मंथली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है डेली डेली के ऊपर में जाके हम वहां पे मार्किंग करने वाले हैं दीपक रुक जाओ डियर रुक जाओ कितनी बार टाइप करोगे इस क्वेश्चन को कितनी बार मैं कहीं नहीं जा रहा एक बार मुझे मेरे तरीके से समझाने तो दो बस कॉपी पेस्ट किया उसको फिर दस बार कर दिया फिर दस वाले को दो बार किया तो बीस बार कर दिया क्या सेंस बना रही है वो चीज <laughs> स्त्री को उठाइए नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मान जाएंगे वैसे ही लास्ट ऑप्शन तो है सबकी चैट ही बंद कर दू जब मैं कह रहा हूं मैं हर चीज समझा दूंगा हर चीज समझा दूंगा बट फिर भी नहीं डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करना है। करंट मार्केट प्राइस ये रही करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए एक अच्छा सा डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना अब देखिए मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया एक अच्छा सा डिमांड जोन मतलब वो वाकई में अच्छा होना चाहिए कुछ एक पॉइंट सुन लीजिए हायर टाइम फ्रेम जो हमारा लोकेशन टाइम फ्रेम था उसके ऊपर में भी हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क की है लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करेंगे ध्यान से सुनिएगा हायर टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क की है लोअर टाइम फ्रेम पे वही करने जा रहे हैं बस लोअर टाइम फ्रेम पे दोनों में से एक ही चीज मार्क करेंगे जैसे हायर पे दोनों मार्क की क्यों क्योंकि हमें एक आइडिया लेना था आइडिया हमें, हमें वहां से ट्रेंड से मिल गया कि हमें हमें बायर बायर होना होना है तो होना तो डिमांड जोन ही मार्क करना है कुल जोन की ही मार्किंग करनी है लेकिन दोनों बार थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस क्या है कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने टेम्प्रेरी जोन भी चलेगा मतलब वहां पे एक नॉर्मल जोन है जिसमें बेस कैंडल ज्यादा से ज्यादा आप कंसिडर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है फाइव सिक्स सेवन कितनी भी बेस कैंडल आप उसे कंसिडर कर लीजिए नॉर्मल उट है आप उसे कंसिडर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए मिनिमम बेस कैंडल और अच्छी हो मिनिमम बेस कैंडल और अच्छी हो कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले एरिया की रैली बेस सॉरी ड्रॉप बेस 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 एंड रैली फोर बेस कैंडल है तो ये एक लोकेशन टाइम फ्रेम हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम नहीं हो सकता

सुन लीजिए रूल ये है कि लोकेशन में नॉर्मल डिमांड जोन एंड नॉर्मल सप्लाई जोन भी अलाउड है। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रोंग हो, मल्टीपल लेगाउट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है बस एक जोन होना चाहिए चाहे वो सा ही हो दिखने के अंदर में एक जोन होना चाहिए हम उसे कंसिडर कर लेंगे इनफैक्ट अगर वो थोड़ा बहुत ट्वेंटी है ना आगे चल के तो भी हम उसे कंसिडर कर लेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर में जो अभी तक हमने क्लास के अंदर में जो एक बेस्ट डेफिनेशन ढूंढ रहे थे वो बेस्ट की डेफिनेशन हमेशा एग्जीक्यूशन में अप्लाई होगी बेस्ट की डेफिनेशन हमेशा एग्जीक्यूशन में अप्लाई होगी मतलब ये बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं चलेगा ज्यादा बेस्ट कैंडल वाला नहीं चलेगा नॉर्मल लेगआउट कैंडल वाला नहीं चलेगा वो बेस्ट होना चाहिए कम से कम बेस्ट कैंडल ज्यादा से ज्यादा लेगआउट कैंडल अच्छी से अच्छी लेगआउट कैंडल नहीं लोकेशन मार्किंग में क्लोजिंग नहीं देखनी है marking में जरूर है। मैंने बताया ना मार्क जो नहीं कर रहे हैं दोनों जगह पे, लेकिन दोनों जगह पे डिफरेंस है एक में हम क्वालिटी को कंसिडर नहीं कर रहे तो दूसरे में हमें क्वालिटी ही चाहिए हमें क्वालिटी कंसिडर करनी ही करनी है दूसरी बार में क्या इसमें क्वालिटी है इस वाले में नहीं तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे ना अगर इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसके नीचे जाएंगे और अगर इसके नीचे जाके देखें तो अगली कैंडल कहां है हमें यहां मिलती है अगली कैंडल रैली बेस बेस रैली कितने लेग आउट कैंडल है दो लेग आउट कैंडल है क्या इसको मैं इस टाइप से मार्क कर लू यस yes, बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग है एक तो हो ये वाला ध्यान से सुनिएगा एक तो हो गया ये डिमांड जोन तो कि हम एग्जीक्यूशन ले सकते हैं एक है इसी के जस्ट नीचे एक डिमांड जोन और बस मैंने मार्क कर लिया ऐसे मार्क किया बस आपको एग्जांपल देने के लिए आई नो कि हम अच्छी क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे बट अभी समझाने के लिए मैंने एक बार मार्क कर लिया मार्किंग तो सही की, की है क्या मार्किंग yes, सही है एज पर एक्सेप्शनल मैंने मार्किंग की है ड्रॉप बेस रैली यहां पे जो लेगआउट कैंडल है ना वो ऊपर वाले जोन की लेग इन कैंडल का, का काम कर रही है ऊपर वाले जोन की आउट कैंडल का, का काम कर रही है एक जोन और दिख रहा मुझे इसी के जस्ट नीचे यहां पे ये वाला तो बेसिकली डिमांड जोन वन डिमांड जोन टू डिमांड जोन थ्री तीन डिमांड जोन है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे सवाल यह है कि कौन से डिमांड जोन पे एंट्री लेनी चाहिए ओके okay, कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है कोई इश्यू नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड अच्छा है थर्ड के ऊपर में ले, ले लेते हैं कुछ लोग सेकंड भी लिख रहे हैं अगर फर्स्ट के ऊपर में मैं एंट्री मार्क करूं तो कुछ इस टाइप से मार्क होनी चाहिए प्रोक्सीमल लाइन के ऊपर में हल्की सी एंट्री और ये रहा स्टॉप लॉस ऐसा ही होगा अगर सेकंड की मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस यहां शिफ्ट हो जाएगा इसकी डिस्टल के नीचे और एंट्री यहां शिफ्ट हो जाएगी और अगर थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो लॉस यहां आ जाएगा और जो एंट्री है वो हमारी यहां पे आ जाएगी इसको मैंने विक विक ले लिया है क्यों? क्योंकि एक ही एक छोटी सी बेस कैंडल थी उसको क्या बॉडी टू विक, विक, विक ले लेते हैं विक भी कोई बड़ी नहीं लग रही तो बेसिकली तीन जोन थे तीनों जोन को हमने मार्क कर लिया एंट्री लॉस टारगेट कहां प्लान करना है इसको कल के लिए छोड़ देते हैं मार्किंग समझ में आ गई कि क्या किया हमने तीनों जोन को मार्क किया है और तीनों जोन के अंदर में बस एक माइंड के अंदर में क्वेश्चन लेके चलते हैं डाउट लेके चलते हैं कि सर इन तीनों में से हमें कौन सा कंसिडर करना है कौन सा अच्छा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कल के लिए छोड़ देते हैं ताकि मैं कुछ चीज आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको कि इन तीनों में से हमें कौन सा लेना है और क्यों लेना है तो और भी अच्छा रहेगा ना अभी के लिए तीनों मान के चलिए कि तीन डिमांड जोन है और हम कंफ्यूज हैं कि तीनों डिमांड जोन में कौन सा लेना कल आप लोग खुद ही मुझे इसका आंसर देंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कल इन तीनों डिमांड जोन की सबसे पहले तो इनको एक स्कोर देंगे जिसे ट्रेड स्कोर बोलते हैं कि इन तीनों डिमांड जोन में पावरफुल कौन सा है और वो ट्रेड स्कोर किस के में डिसाइड होगा कि इनके अंदर में कोई भी जो डिमांड जोन बना उसमें लेगाउट कैंडल कितनी है बेस कैंडल कितनी है वो फ्रेश है या टेस्टेड है तो मतलब कुछ एक पैरामीटर होंगे उन पैरामीटर के बिहार के ऊपर में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो डिमांड जोन वन है उसको ट्रेड स्कोर कितने मिले डिमांड जोन टू को ट्रेड स्कोर कितने मिले डिमांड जोन थ्री को ट्रेड स्कोर कितने मिले और मान के चलिए अगर किसी जोन के अंदर में कोई भी दो जोन है और दोनों को सेम ट्रेड स्कोर मिल गए तो फिर उसका भी सोल्यूशन है कि अगर दो जोन को दोनों को सेम ट्रेड स्कोर मिल रहे हैं तो उस केस में हम कौन सा कंसिडर करें तो उसका भी सोल्यूशन है

डिमांड जोन टू में दोबारा कभी फ्यूचर में प्राइस आई अगर सब चीजें ठीक लग रही अभी भी ट्रेंड वगैरह सब कुछ तो हो सकता है हम दोबारा सेंट्री ले और हो सकता है कि आउट ऑफ थ्री हम सिर्फ एक सिंगल डिमांड जोन को ट्रेड करें और ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ थ्री हमें तीनों में कोई भी अच्छा नहीं लगा अगर ये तीनों के तीनों इस टाइप के होते तो, तो हम यही कहते कि तीनों ही अच्छे नहीं है छोड़ दो इसको और एक चीज और देखिए मैं ट्रेंड देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ट्रेंड आपको देखना ही देखना है क्योंकि अगर आप ये माने कि अभी तो इक्विबेम में थे उस वजह से हमने ट्रेंड चेक किया लो इन द कर होते तो हम ट्रेंड चेक नहीं करते ऐसा ही होता अगर प्राइस कभी भी वापस से मंथली टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूं अभी प्राइस इक्विबरियम में है ये प्राइस गलती से भी यहां होती तो इसके बिल्कुल बॉर्डर पे होती है ये जो लाइन देख रहे हैं ना फाइव वाली ये वाली लाइन तो ये इसके बिल्कुल बॉर्डर पे होती है मतलब सेकंड सेकंड में कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है कभी इक्विलिब्रियम में एंटर हो रही है कभी लो इन द कर्व में एंटर हो रही है तो हम हर बार में, आप में ऐसा थोड़ी ना कि अभी इक्विलिब्रियम में एंटर होगी जस्ट अभी के अभी ट्रेंड देख लेते हैं और अगली सेकंड अगर वो लो इन द कर्व में आ गई तो ट्रेंड नहीं देखेंगे क्योंकि लो इन द कर्व में तो सर ये लिखा कि बाई करना है तो हम ट्रेंड को इग्नोर कर देते नहीं ट्रेंड हमें हर बार चेक करना है चाहे प्राइस लो इन द कर्व में हो चाहे वेरी लो इन द कर्व में हो और एक चीज और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आप यहां पे जो हम ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हैं ना जो ट्रेड सेटअप हम प्लान कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में वो ये देखिए है कहां डिमांड जोन वन जो है ये वाला डिमांड जोन ये कहाँ है कौन से पोर्शन के अंदर में है इक्विलिब्रियम में है या लोन द कर में ये देखिए लो इन द कर में देखिए थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री से लेके सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स ये है वाला एरिया इक्विलिब्रियम यहां से लेके यहां तक है इक्विलिब्रियम और ये वाला है लो इन द कर तो डिमांड जोन वन तो लो इन द कर में ना डिमांड जोन टू भी लो इन द कर में है डिमांड जोन थ्री जो है ना वो वेरी लो इन द कर में डिमांड जोन वन और डिमांड जोन टू जो है वो लो इन द कर के अंदर में है

कल की कल ही प्राइस डाउन आती है और यहाँ पे हल्की सी फाइव जीरो सेवन पॉइंट एट्टी आ जाती है हल्की सी डाउन आ जाती है तो कहां चली गई लो इन द कर मैंने कल ही चेक करना स्टार्ट किया कल ही फर्स्ट टाइम इस स्टॉक को ओपन किया और मैंने देखा कि यहाँ पे प्राइस लो इन द कर है एंट्री नहीं मिली है मिलने वाली लो इन द कर है तो फिर उस केस के अंदर में ऐसा थोड़ी लो इन द कर था तो मेरा एक्शन रेंडमली बाई हो जाएगा मैं तब भी तो ट्रेंड तो चेक करूंगा ना कहने का मतलब ये कि आपका कहां है? को से कहां है? ये इतना मैटर नहीं करेगी मैटर यह चीज करेगी कि आपका एग्जीक्यूशन है इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हर बार ट्रेंड चेक कर ही लीजिए और हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड के लिए कहते हैं जैसे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंडिल इट्स बैंड हमेशा ट्रेंड के साथ में जाना ही सबसे अच्छे अकलमंदी है ट्रेंड के अगेंस्ट के अंदर में जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है आगे चल के हम बिल्कुल पढ़ेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना तो कैसे जा सकते हैं बट लॉजिकली ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए हाँ कभी कभी मान के चलिए कि एक ट्रेड सेटअप ही इतना अच्छा मिल गया बहुत ही ज्यादा अच्छा बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल गया और वो वेरी लो इन द कर में भी है जहां पे हमने लिखा है एक्शन डेफिनेटली बाई वेरी लो इन द कर में भी है तो फिर उस केस के अंदर में हो सकता है हम कभी कभी के लिए ट्रेंड को इग्नोर कर दें क्योंकि हमें यह लग रहा है कि हमारा ट्रेड सेटअप इतना अच्छा है कि वो वे डाउन ट्रेंड में भी चल जाएगा वो एक अलग कॉन्फिडेंस हो सकता है ना ट्रेड सेटअप को देखते हुए बट हमें मेजोरिटी ऑफ टाइम 95 फाइव परसेंट केसेज के अंदर में ट्रेंड को फेवर में लेना ही लेना चाहिए ट्रेंड के अगेंस्ट के अंदर में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए वापस से देखिए क्या किया है रिपीट कर रहा हूं इस टेबल को वापस से समझते हैं और फिर एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं ताकि और भी अच्छे से टेबल समझ में आ जाए सबसे पहले गए हम मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए गए इन स्टेप्स को ध्यान से सुन लीजिए गाइज लिखना विखना छोड़ दीजिए इस स्टेप को ध्यान से सुनिए मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ये माइंड सेट बना के आ रहे हैं कि मंथली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है को, कोई लोग ये सोचे कि सर डेली पे क्यों नहीं गए आप डेली पे चले जाइए चाहे ये पूरा प्रोसेस डेली पे कर लीजिए उस केस में ये होता कि आप डेली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप वीकली पे जाके ये पूरी मार्किंग वीकली पे करते हैं ना तो हो सकता है कि आपका पर्पस ये होता कि वीकली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल कोई भी एक वीकली का ले लेंगे हम फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा कि आप इस टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेड ढूंढिए हम टाइम फ्रेम पे गए मंथली के ऊपर में क्योंकि हमें एक मंथली इनकम ट्रेड चाहिए थी और मंथली इनकम ट्रेड पे जाके करंट मार्केट प्राइस पे एक होरिजोनटल लाइन ड्रो कर दी और एक नियरेस्ट फ्रेस डिमांड जोन और एक नियरेस्ट फ्रेस सप्लाई जोन मार्क कर लिया मैंने बताया कि लोकेशन के ऊपर में क्वालिटी पे फोकस नहीं करना इसलिए हमें देखिए रेंडमली मिल रहा है नॉर्मल सा तो भी हमने कंसिडर कर लिया ये वाला तो भी हमने कंसिडर कर लिया अब जिन लोगों को इसकी मार्किंग के अंदर में अगर कोई कंफ्यूजन है कि जो लोग ये सोचें कि सर ड्रॉ बेस बेस रैली सॉरी रैली बेस बेस एंड ड्रॉप फोर बेस कैंडल है लोवेस्ट बॉडी हाईएस्ट वीक यही होगी डिस्टल तो यही होगी ये यह तो कंफर्म है अगर इसको इस टाइप से मार्क करें कि तीन ही बेस कैंडल ले यहां पे कि यहां पे तीन ही बेस कैंडल माने वन टू थ्री और इसको लेगआउट माने जो कि लेगआउट नहीं लग रही है बिल्कुल भी तो फिर आप लोग हो सकता है इसको ये सोचिए कि सर ये सेकंड लेगआउट कैंडल टेस्टेड हो गया वो चीज रही एज पर द रूल वो चीज रही बिल्कुल एज पर द रूल कि सर हमने तो इसको ही एक्साइटिंग मान लिया और इसके एक्साइटिंग अगर मानते हैं तो आप ही ने कहा कि इस लेग आउट के बाद में दूसरी लेग आउट या फिर दूसरी कोई भी कैंडल हमारी प्रोक्सीमल को टेस्ट करती है तो वो लेवल हो जाएगा हमारा टेस्टेड लेकिन कल जो हमने चीजें सीखी कुछ डिफरेंट सिनेरियो सीखे उसके अकॉर्डिंगली हमें ये भी समझ में आया कि इसको क्या जरूरत है ऐसा मार्क करने की क्या अगर ये लेगआउट होती नहीं तो भी क्या हम इसको मार्क थोड़ी ना करते हैं? मतलब लोकेशन में भी इतना पुवर तो क्या ही लेंगे यार कि अगर यही एक सिंगल लेगआउट होती तो बाकी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रोक्सीम यहां रखें चाहे यहां रखें और आप इसको ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैंने यहां रख दी तो गलती से टेस्टेड लग रहा लग रहा हो लेकिन प्रैक्टिकली कल ही तो समझ के आए कि क्या फर्क पड़ा इतना सा टेस्टेड हो भी गया तो इतना सा टेस्टेड हो भी गया तो क्या फर्क पड़ा यहां करने पे वो नहीं हो रहा मैंने खुद कहा कि लोकेशन के अंदर में थोड़ा बहुत टेस्टेड भी चलेगा थोड़ा बहुत टेस्टेड भी चलेगा 25 परसेंट तक टेस्टेड है तो भी चलेगा लोकेशन के अंदर में। चलो फिर भी और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको मान लो कि इसमें सप्लाई जोन है ही नहीं अगर आपको यह लग रहा है सर ये टेस्टेड है तो हटा देते हैं इसको ये काम तो कर सकते हैं ना इसको अगर हटा दिया तो नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ है यहां पे कुछ है नहीं यहां पे कुछ है हाँ यहां पे है ना नेक्स्ट सप्लाई जोन इस वाले को हटाते हैं और यहां पे मार्क कर देते हैं मतलब ये रही डिस्टल ये रही इसमें किसी को भी कोई इश्यू इस वाले सप्लाई जोन में किसी को भी कोई इश्यू को नहीं ना ओके अगर इसको मार्क करते हैं तो आपको नहीं लगता रिट्रेसमेंट वापस से मॉडिफाई करने की जरूरत है या तो डिलीट कर दो या फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ स्ट्रेच कर देते हैं सब कुछ सही है और अगर सब कुछ सही है तो एक काम करते हैं जो वेरी हाई ऑन द कर था उसको यहाँ कर देते हैं हाई ऑन द कर को यहाँ कर देते हैं इक्विलिब्रियम को यहाँ कर देते हैं लो इन द कर को यहाँ कर देते हैं और डिमांड जो जो था वो तो वो वहीं की वहीं है अब यहां तक बिल्कुल परफेक्ट है ना यहां तक बिल्कुल परफेक्ट कोई भी दिक्कत किसी को भी यहां तक बहुत बढ़िया ठीक है चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा प्राइस कहां है पहले भी नहीं था आई नो रिथिक बट स्टिल मतलब कुछ लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन है तो सबको तो साथ में लेके चलना पड़ता है आपको आई नो ये भी समझ गए थे आप बट अगर किसी को लग रहा है कि ये सर टेस्टेड है हम एक बार के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहते इसको कंसिडर नहीं करें तो ऊपर वाला कंसिडर कर लिया कोई दिक्कत नहीं है प्राइस देखिए लो इन द कर पे लग रही है हमें यहाँ पे ये यह वाली प्राइस लग रही है यहाँ पे लो इन द कर में क्या एक्शन होना चाहिए बाई का अभी मैंने बोला कि चाहे लो इन द कर हो चाहे हो ट्रेंड देख ही लेते हैं और मैंने साथ में यह भी बोला लो इन द कर में आप ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हैं कि आप ये सोचें कि वहां पे वर्ड फाइल में सर ने लिखा लो इन द इंद एक्शन बाई ट्रेंड को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो रिस्की है एनी हम ट्रेंड देख के आए ट्रेंड हमने कहा देखा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे देखिए लोकेशन मार्किंग का ट्रेंड से क्या लेना देना वीकली पे गए और ट्रेंड चेक कर लिया वो ही रहेगा कैंडल भी वही है वीकली का मूविंग एवरेज भी वही है तो कोई फर्क तो है ही नहीं ना उसमें कोई फर्क नहीं है जो हमारे अभी तक जो चेंजेस हुए हैं ना वो यहाँ पे ही हुए हैं इसी पे मंथली पे और इसके चेंजेस ना तो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम को इफेक्ट करेंगे और ना ही एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को इफेक्ट करेंगे कहने का मतलब ये कि जो अभी हमने मार्किंग को चेंज भी किया ना तो भी प्रैक्टिकली समझिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है स्टिल हमें ट्रेंड चेक करना ही करना था वो हमने किया स्टिल हमें एग्जीक्यूशन पे जाना ही जाना था वो हम गए ये देखिए ये रहा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अभी भी मार्किंग वो की वही रहेंगी सारे डिमांड जोन वो के वही रहेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं है बस एक थोड़ा सा अब अब ये ये कह सकते हैं कि अभी ये सारे के सारे डिमांड जोन जो है ना ये सभी के सभी ये सभी वेरी लो इन द कर में आ गए सॉरी लो इन द कर में आ गए यहाँ पे पहले भी आई थिंक लो इन द कर में ही थे हो सकता है कि पहले अगर स्लाइटली अगर हाई इन द कर में होते भी ना तो अब थोड़ा सा लो इन में आ जाते हैं बस इतना सा फर्क पड़ता बट वो कंसर्न है ही नहीं मैं तो ये कह रहा हूं ट्रेंड हमें चेक करना ही करना है हमें तो ट्रेंड चेक करना ही करना है हर बार हम ऐसा नहीं है कि इस मंथली वाले को ऊपर जाके मार्क करें प्रॉपर मार्क करें ये तो किसी में किसी को अगर डाउट लगा हमें कि कुछ पर्सन को डाउट था कि तो हमने उसके लिए ऊपर वाला मार्क कर लिया और अब मैं एक चीज और बता दू आपके माइंड में जो अगला क्वेश्चन है वो ये होगा कि सर अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो और सर ये तो सारे टेस्टेड लग रहे हैं मतलब ये होते ही नहीं तो अगर सप्लाई जोन ही नहीं होता तो क्या करते तो उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा अभी अगर सप्लाई जोन नहीं होता ना तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा आपको ये सब चीजें करनी नहीं पड़ेंगी मान के चलिए कोई भी स्टॉक है उसमें सप्लाई जोन है ही नहीं तो उसके अंदर में ये सब चीजें करनी नहीं पड़ेंगी अगला क्यों का एग्जाम्पल वो लेंगे सबसे पहले बट आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा एक बार वापस से देख लीजिए जल्दी से मंथली के ऊपर में जाके लोकेशन मार्क किया डिमांड जोन मार्क किया सप्लाई जोन मार्क किया है रिट्रेसमेंट लाइन के थ्रू रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई को प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड से मिलाया है तीनों पोर्शन को नाम दिया है बीच वाले को इक्विबियम ऊपर वाले को हाई ऑन द कर और नीचे वाले को लो इन द कर दो पोर्शन और है हमारे पास में सप्लाई जोन वाले को वेरी हाई ऑन द कर और डिमांड जोन वाले को वेरी लो इन द कर हमने कुछ एक पॉइंट जरूर लिखे कि लो इन द कर पे क्या करें वेरी लो इन द कर में क्या करें क्योंकि वो थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है ताकि एक पिक्चर क्लियर रहे कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए बट उस पिक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें पता कि हमें हर बार ट्रेंड तो चेक करना ही करना हर बार ट्रेंड तो चेक करना ही करना राहुल रिट्रेसमेंट हमने इसलिए बनाई है लाइन ताकि इस पोर्सन को इक्वली पोर्सन में डिवाइड कर सके डिमांड जोन और सप्लाई जोन और हमें यह आइडिया हो सके कि अभी हम डिमांड जोन के पास में या सप्लाई जोन के पास में है अभी हम डिमांड जोन की तरफ है या सप्लाई जोन की तरफ है इसका और अच्छे से कल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा उससे समझ में आएगा ये चीज मैंने बताया ना आज हम पार्ट वन पढ़ रहे हैं पार्ट टू बाकी है कल कल की क्लास सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है कल की सबसे मस्त सबसे इंटरेस्टिंग और लोग सबसे ज्यादा प्यार देते हैं उस क्लास को और इतनी इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी है इजी है इसलिए लोग और भी ज्यादा प्यार देते हैं अच्छी तो एक सेक्टर की क्लास भी आएगी वो उससे भी ज्यादा अच्छी है राहुल हम ट्रेंड हमेशा अराइवल पे ही चेंज करेंगे यस दैट्स पॉसिबल कि अभी जो ट्रेंड है और हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आते आते ट्रेंड चेक हो चेंज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बट वो अभी से हम कैसे डिसाइड कर लें अभी से तो नहीं कर सकते ना तो अराइवल के ऊपर में देखेंगे अगर कुछ चेंजेस हो गए तो उसको छोड़ेंगे और चेंजेस नहीं हुआ तो हम हमारे ट्रेड सेटअप को कंटिन्यू करेंगे मंथली पे लोकेशन मार्किंग हुई कर मार्किंग भी जिसे कहते हैं जिसने हमें आइडिया दिया कि हमें बायर होना या सेलर होना हमें एक आइडिया तो ये मिला कि यहाँ पे बेसिकली प्राइस कहां है लो इन द कर या वेरी लो इन द कर या इक्विलिब्रियम

मंथली वीकली ने व्यू क्लियर किया डेली पे जाके हमने सारे डिमांड्स और मार्क कर दिए और मैंने ये कहा ना अभी के लिए आप सारे कंसिडर कीजिए कल मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा और उसके लिए कल हम इनको स्कोर देना सीखेंगे एक चीज और मैं आपको बता दू अगर किसी के माइंड में आ रही है तो कि सर लोकेशन के नीचे अगर डेली में कोई डिमांड जोन हो तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्या लाइक like कि ये डिमांड जोन जो है यहाँ पे तो खैर मान लीजिए कि बेस कैंडल ज्यादा हो गई बट लेगआउट कैंडल सर दो हैं यहाँ पे टू लेगआउट कैंडल है अगर इसमें बेस कैंडल कम होती तो ये जोन अच्छा होता तो क्या हम इसे भी प्लान कर लें क्या इस वाले को भी नहीं इसका रूल ये है कि जो आपका लोकेशन टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है उसकी डिजिटल लाइन है आप सिर्फ और सिर्फ वहीं तक मार्क करेंगे और अगर आप यहां पे ही एक ये व्यू बना के आते हैं ना कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है मान के चलिए ट्रेंड डाउन होता

इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे नीचे मिलना चाहिए नीचे नीचे क्यों मिलना चाहिए वो इसलिए क्योंकि अगर इसके प्राइस चली तो सोचे इतने के वाला अगर यहां कोई मार्क कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी जो हमने देखा वो यहां पे ही तो था कुछ डेली के ऊपर में और अगर आप यहां मार्क करने की सोच रहे हैं, इस वाले एरिया के ऊपर में तो कोई सेंस नहीं बनाना उस चीज का क्योंकि सोच के देखिए प्राइस जब यहाँ पे आएगी तो वो मंथली के डिमांड जोन को खत्म कर चुकी होगी और जिस प्राइस ने मंथली के डिमांड जोन को खत्म कर दिया है तो फिर यहाँ पे लेने का क्या मतलब है उस डेली के ऊपर में में अब उस डेली कितनी पावर होगी आई नो कुछ एक डाउट और में चल रहे हैं सबके सब क्लियर सब होंगे बट उसके लिए जरूरी है कि एक दो एग्जाम्पल पहले और डिस्कस कर लें एक सबसे पहले तो जो डाउट आया उसको चलते हैं अभी अभी की सप्लाई जोन ना होता तो क्या करते हैं फेडरल बैंक करंट मार्केट प्राइस ये रही मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया तो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पे एक एमआईटी ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं Trade करना चाह रहा हूं टी ट्रेड के लिए करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक होरिजोनटल लाइन ड्रॉ कर ली अगली स्टेप क्या है लोकेशन मार्किंग की अगली स्टेप ये है कि हम एक स्ट्रेस डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करते हैं क्या इसको मार्क कर लू मैं ठीक okay, है, supply zone है क्या इसमें? नहीं अगर supply zone नहीं है तो सप्लाई मार्क नहीं करेंगे Simple है। -time high का supply zone नहीं है तो नहीं है है है। है, का नहीं 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 तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Demand zone mark किया है, आपको रिट्रेसमेंट वाली जो स्टेप है वो ही करने की जरूरत नहीं है सिंपल है अगर होता तो क्या करते हैं होता तो मान लीजिए ये रहा सप्लाई जोन एक बार एग्जाम्पल के लिए और ये इसकी प्रोक्सीम लाइन है ये रही रिट्रेसमेंट तो बट अगर अभी है ही नहीं सप्लाई जोन नहीं है तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है इस सप्लाई जोन को जो हमने टेम्प्रेरी बनाया अपनी मर्जी से इसको डिलीट करते हैं और रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सिंपल है ट्रेंड के साथ में जाइए डिमांड जोन मिल गया तो डिमांड जोन जब मिला है तो आपको क्या है यहां पे ट्रेंड अप चाहिए बात खत्म वीकली पे जाते हैं क्या है ट्रेंड इसका अप मतलब हम यहां तक सही जा रहे हैं हमारा क्या व्यू बना यहाँ पे मतलब हम बाई कर सकते हैं ना यहाँ पे और अगर ट्रेंड डाउन होता अगर ट्रेंड डाउन होता ना तो हम बाई नहीं कर पाते हैं. हाँ, वो चीज अलग है कि वेरी लो इन द कर में कुछ अच्छा ही धमाकेदार मिल जाता है हमें कोई अच्छा डिमांड जोन तो वो बात अलग है बट हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि डिमांड जोन मिल गया लेकिन डाउन ट्रेंड में मिला तो जो व्यू इतना अच्छा बन रहा था ना वो बनते बनते रह गए हमारा डिमांड जोन के साथ में हमें अप ट्रेंड चाहिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे सिंपल स्टेप है अगर इसमें सप्लाई जोन होता रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद में ट्रेंड देखते उस केस में अभी हमने ट्रेंड चेक किया है वीकली पे अप है तो भी हमारा यही व्यू बनता बाई होना है अगर सप्लाई जोन होता ना तो भी हमारा यही व्यू होता कि यहाँ पे इसमें बाई करना चाहिए हमें और मान के चलिए कि सप्लाई जोन होता और ट्रेंड भी डाउन होता वीकली पे तो हमारा व्यू हो जाता हमें सेल करना है। सारे केसेस कंसिडर कर लिए कौन से टाइम फ्रेम पे बाई के लिए जाना चाहिए अभी हमें ये तो पता लग गया है कि लोकेशन मार्किंग हो गई डिमांड जोन मिला सप्लाई जोन नहीं मिला तो रिट्रेसमेंट वाले स्टेप ही छोड़ दीजिए बहुत इजी हो गया आपके लिए वीकली पे ट्रेंड देखा ट्रेंड अप है तो आप डेली पे चले जाते हैं और मान के चलिए अगर ओल्ड टाइम लो का कोई स्टॉक होता कोई स्टॉक है जो ओल्ड टाइम लो की तरफ जा रहा है उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे ओल्ड टाइम लो की तरफ जा रहा है तो उस केस में हमें डिमांड ही जोन नहीं मिलता और डिमांड जो नहीं मिलता तो सप्लाई जो मिलता और जो स्टॉक ऑल टाइम लो की तरफ जा, जा रहा है ना यहाँ पे देखिए तो ज्यादातर चांसेस यही होने उसका ट्रेंड अब ही मिलेगा हमें ऐसा बहुत कम केस में होगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर में स्टॉक जा रहा है और वहां पे आपने चेक किया कि मंथली के ऊपर में देख लिया लोकेशन और वीकली पे ट्रेंड डाउन मिल गया ओके okay, तो ये दोनों जो कंडीशन है ना कि डिमांड जोन का मिलना टाइम हाई स्टॉक के ऊपर में सप्लाई जोन का नहीं मिलना और ट्रेंड उसके फेवर में होना है ये दोनों एक दूसरे को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हुए चलेंगे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये वीकली पे ट्रेंड भी देख लिया है मंथली पे लोकेशन भी मार्क हो गया ये रहा लोकेशन ये रहा वीकली का ट्रेंड अब जाते हैं डेली पे यस yes, प्रकाश उस चीज पे भी आने वाले हैं बिना मार्क करे हुए देखते बताइए कि कितने डिमांड जोन दिख रहे हैं आपको यहां पे। ओके okay. तो बेसिकली 90 परसेंट प्लस लोगों को दो डिमांड जोन दिख रहे हैं आई एम श्योर एक ये दिख रहा होगा एक ये वाला दिख रहा होगा ये वाला तो देखिए चल चुका है ये वाला जो है ना ये तो चल चुका है अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये चल तो गया अभी अगर हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें यहां पर सिख अगर ऐसा कुछ होता ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ डिसंबर लास्ट वर्किंग डे था तो मतलब मंथ क्लोज हो चुका है यहाँ पे मंथली की लेगआउट वगैरह भी बन चुकी होगी क्या एनीवेज वो तो वैसे भी नीचे ही है लेगआउट तो एक डिमांड जोन ये भी है तो तीन डिमांड जोन दिखते हैं वो चीज अलग है कि इसकी अच्छी क्लोजिंग नहीं है सिंपल लेगआउट लेग आउट है कहने को एक डिमांड जोन है बस ऐसे डिमांड जोन को तो हम एग्जीक्यूशन पे वैसे इग्नोर करेंगे ये ऑल टाइम हाई चल रहा ना स्टॉक उस वजह से बस बाइंग प्रेशर कंटिन्यू है तो इससे इस डिमांड जोन से मूव आ गई देखिए जब चीजें अप ट्रेंड में होती है ना तो नॉर्मल डिमांड जोन भी चलते हैं जब चीजें डाउन ट्रेंड में होती है ना तो नॉर्मल सप्लाई जोन भी चलते हैं प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तब हमें चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी तब हमें चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एनीवेज ऐसे डिमांड जोन पे भले ही चल गया लेकिन हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे अगर इसी डिमांड जोन की इसी डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी होती मतलब प्राइस कुछ ऐसे गई होती और फिर डाउन आती है ना तो हमें कोई इश्यू नहीं था इस डिमांड जोन को हम ट्रेड करने के लिए कंसिडर कर सकते थे क्योंकि एग्जीक्यूशन में क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ठीक है अभी यहाँ पे इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है हम इसको तो वैसे भी इग्नोर करते ये चल गया हो भले ही लेकिन हम इसको इग्नोर करते अगर इसके नीचे जाए तो एक डिमांड जोन ये है कोई इश्यू नहीं है कि प्रॉपर बेस कैंडल नहीं लग रही है कोई दिक्कत नहीं है कल ही बताया ये मैंने आपको डिमांड जोन नंबर वन ये रहा डिमांड जोन नंबर टू सही है क्या इसकी मार्किंग यस yes, सही है कुछ फर्क नहीं पड़ता आप चाहे इस वाली बेस्ट कैंडल पे रख लें इसको कंसिडर कर लें और चाहे इस पे रख ले इसपे हम मैंने क्यों नहीं रखी इसको मैंने बेस्ट क्यों नहीं माना इतनी ऊपर जो कल हमने ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट समझा था इतनी अग्रेसिव एंट्री लेने का क्या सेंस है और यहाँ पे मैं क्यों नहीं रख रहा ज्यादा डाउन हो जाएंगे तो इसलिए मैंने बस ग्रीन पे रख दी आप चाहे तो इस रेड पे भी रख सकते हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये देखिए छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली करेंगे आज डी मार्ट में देख लीजिए ना वही तो चीज हुई है ना कि यहाँ पे डिमांड के ऊपर में जिस हम ओरिजन का वेट कर रहे थे तो उस ओरिजन तक प्राइस नहीं आई बट हमें यह पता था कि हमारे डिमांड जोन में तो हमें एंट्री मिली रखी है ना आज ये फोर टू फाइव परसेंट अप था मॉर्निंग के अंदर में मतलब ये एरिया चला है ना इस वाले एरिया से अब कल हम इन चीजों को तो समझ रहे थे डिटेल के अंदर में कि जब भी प्राइस यहाँ आती है यहाँ से भी रिएक्ट करने के चांसेज है और ये बोटम है ये एक ओरिजन है उस इम्बेलेंस का बट इससे पहले जो एच के एग्जाम्पल में कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वाली जो चीज कि यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ है ना यहां से दूसरा मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर जहां पे हम बात कर रहे हैं कि डिमांड जोन में जगह जगह पेंडिंग ऑर्डर होते हैं तो यहां पे भी तो पेंडिंग ऑर्डर का एक एरिया है ना एक यहां है यहां है और ये सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर वाला है तो प्राइस इनमें से कहीं से भी चल सकती है और ऐसे केसेस के अंदर में सबसे ज्यादा रिएक्ट कहाँ होती है ऑलमोस्ट दोनों के बीच में से ये प्रूवन है आप जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं देख लीजिए ज्यादातर केसेज में जैसे ऊपर है यहां है अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रेंड वगैरह सब कुछ अप है ट्रेंड अप है क्लोजिंग अच्छी है तो मैं आपको कह रहा हूं यहां क्या इसकी विक से ही ऊपर चली जाएगी इसकी विकस ही लेकिन ट्रेंड डाउन है क्लोजिंग में कुछ इश्यू है तो फिर उस केस के अंदर में हो सकता है प्राइस इन दोनों के बीच में आए और सेलिंग प्रेशर थोड़ा और भी ज्यादा कंटिन्यू रहता है तो फिर इस वाले बॉटम तक भी आती है वो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उनके भी के ऊपर में हम हमारी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट को मॉडिफाई करते रहेंगे ओके फेडरल बैंक पे जाते हैं ये हो गया हमारा सेकंड डिमांड जोन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल लग, लग रहा है डिमांड जोन टू ज्यादा पावरफुल लग रहा है ओके देखिए ऐसे तो डिमांड जोन वन में भी कोई इश्यू नहीं लग रहा सबको सही लग रही है बट हाँ क्लोजिंग अच्छी नहीं लग रही डिमांड जोन वन की जो क्लोजिंग है ना अच्छी नहीं लग रही है. बट ऐसा कोई रूल है क्या कि क्लोजिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूशन पे तो कभी भी कंसिडर ना करें कभी भी यस yes. देखिए अभी तो यही रूल बनाया कि कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के अंदर में नहीं करना चाहिए अभी तो यही बात कर रहे हैं ना पे हमें क्लोजिंग देखनी चाहिए यही बात कर रहे बट किसी चीज से तो उसको आगे चल के कंपनसेट करेंगे ना कि क्लोजिंग तो अच्छी नहीं है बट फेडरल बैंक जब डिमांड जोन में है तो बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन में आ गई तो उस केस के अंदर में हम कंसिडर कर सकते हैं मतलब वो किसी चीज से कंपनसेट होनी चाहिए उसको अगर उस चीज का सपोर्ट नहीं है तो कोई दूसरी चीज का सपोर्ट हो मार्केट का सपोर्ट हो उसके उस सेक्टर का सपोर्ट हो वो सेक्टर की क्लास में सीख लेंगे ठीक है अभी के लिए तो यही मान के चलिए क्लोजिंग को थोड़ा सा हम कंसिडर करें एनी डिमांड जोन वन डिमांड जोन टू दो डिमांड जोन है दोनों में से कौन सा अच्छा है किस पे एंट्री लेंगे अभी तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला तो वेरी लो इन द कर में नहीं है इसके ऊपर है ये वाला वेरी लो इन द कर में है ओरिजिन का डिमांड जोन है ओरिजन का मतलब ये कि वेरी लो इन द कर में जो भी डिमांड जोन है ना उसे ओरिजन का डिमांड जोन बोलते हैं और उसके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्यों ज्यादा होते हैं उसका कल एग्जाम्पल दूंगा ही मैं आपको तो डिमांड जोन वन डिमांड जोन टू है दोनों में से कौन सा कंसिडर करेंगे उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा कुछ लोगों को ये वाला डिमांड जोन भी दिख रहा होगा नो no डाउट अच्छा डिमांड जोन है बट जो मैंने अभी बताया कि अगर हमारा लोकेशन टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है उसके नीचे उसके डिस्टल के नीचे है ना तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि यहां पे जब भी प्राइस आएगी ना तो इसको खत्म कर चुकी होगी जब लोकेशन को इतने स्ट्रॉन्ग लोकेशन को खत्म कर चुकी है तो कोई मतलब नहीं है यहां तक आने का जब लोकेशन कोई खत्म कर चुके जो इतना हायर टाइम फ्रेम था वही खत्म हो गया तो फिर अब इस पर क्या कर लेंगे हाँ, एक अपने -अपने एक ही नहीं, तो अभी पे क्यों लगाना उस चीज के ऊपर में नेसेसरी ओके okay? तो डिमांड जोन वन हो गया डिमांड जोन टू हो गया शिवराज यस डिमांड जोन वन जो है इसकी हमने मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट की है विक टू विक इसे लेने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है ये वाली बेस कैंडल नहीं मानेंगे कल ही हमने सीखा हम एक ओरिजन को कैप्चर करते हैं तो ये देखिए ये उस टाइप के एरिया का एग्जाम्पल होगा जहां पे हमारे पास में सप्लाई जोन नहीं है तो देखिए अभी वो टेबल कितनी इजी लगेगी आपको कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने यस आदित्य वो कोई इश्यू नहीं है देखिए उस वाले में डिमांड जोन की बेस एक्साइटिंग लग रही कोई दिक्कत नहीं कल तो हमने वो सीखा है कल की आप क्लास देखिए उसमें मैंने सबसे लास्ट सिनेरियो वही तो डिस्कस किया कि अगर बेस कैंडल थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है तो भी हम क्या उस ओरिजन को थोड़ी ना इग्नोर करेंगे देखिए ये मैंने डियर कल की क्लास में ही बताया है आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा डेफिनेटली आपको समझ में आएगी ये वाली जो है अगर ये बेस कैंडल होती है अभी जो आपको एक्साइटिंग लग रही है इसकी ओपनिंग यहां ना हो कि यहाँ हो जाती यहां है इसकी ये वाली और फिर उस केस के अकॉर्डिंगली इसका बॉडी पार्ट कम हो जाता हाई ये, ये, ये का ये रहता लो ये का ये रहता क्लोज ये का ये रहता बस बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाती स्टिल क्या इस पूरी कैंडल की जो भी हरकत हुई है इससे क्या इस मूव पे कोई फर्क पड़ा इसके अगली कैंडल पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ा और ना मेरे हिसाब से उसके कोई पेंडिंग ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ा मतलब जो मूव आई है वो आई है और हमें पता है वो मूव यहाँ से आई है और इस एरिया को हम कंसिडर कर ही रहे हैं आप स्मोलर टाइम फ्रेम पे जाके देखें यहां कहीं आपको डिमांड जोन मिलेगा ठीक है ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं आप एक बार वापस से कल की क्लास देखिएगा कौन सा फ्रेम है वीकली क्या करना चाह करना चाह चाह रहा रहा हूं हूं मैं यहां पे ट्रेड एक्सेल ओपन करते हैं मैंने टाइम फ्रेम डायरेक्टली वीकली ओपन किया ना तो मान लीजिए वीकली इनकम ट्रेड ढूंढना चाह रहे हैं वीकली इनकम ट्रेड के लिए लोकेशन मार्किंग होगी वीकली पे ट्रेंड किस पे चेक करेंगे डेली पे. फ्रेम पे हमारे पास में काफी सारे टाइम फ्रेम है इनमें से कौन सा कंसिडर करना है उस चीज पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी के लिए कोई भी टाइम फ्रेम उठा लेंगे हम अभी के लिए कोई भी टाइम फ्रेम उठा लेंगे डोंट वरी आप कंफ्यूज नहीं होंगे वीकली हो गया डेली हो गया डेली पे हम ट्रेंड चेक करेंगे और वीकली के ऊपर में हम बेसिकली लोकेशन या फिर कारो मार्किंग करेंगे हमें एक ओवरऑल आइडिया चाहिए हमें बायर होना चाहिए या सेलर होना चाहिए सही है क्या डिमांड जोन की मार्किंग यस परफेक्ट लग रही है करेंट मार्केट प्राइस यही है परफेक्ट लग रही है सप्लाई जोन भी सही है क्या मतलब देखना भी नहीं बस स्पीड में इतना ज्यादा फोकस हो रखे हैं कि बस जल्दी से जल्दी टाइप करें सबसे पहले हम ही लिखे यस सर यस सर गाइस देखिए ये लाइव कैंडल है मैंने एक दिन बोल के भी बताया था अच्छा आज इसका परफेक्ट एग्जांपल भी मिल रहा है हमारे पास में ये कैंडल लाइव है वीकली कैंडल है ये क्लोज नहीं हुई है और मैंने आपको कहा था कि लेग आउट कैंडल क्लोज होनी चाहिए अगर ये कैंडल डेली की होती है ना तो हम मार्क कर लेते हैं अगर ये कैंडल डेली की होती तो इस लोकेशन को हम कंसिडर कर सकते थे हाँ वो पॉइंट अलग है कि ये वाले की क्लोजिंग अच्छी नहीं है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ हो वापस से ध्यान से सुने अगर ये डेली की कैंडल होती हम हमारी मार्किंग बिल्कुल सही थी सप्लाई जोन की कोई दिक्कत नहीं है वो इश्यू अलग है कि हमारी लेगआउट कैंडल में सर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है प्रॉपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा अच्छा नहीं है बेस कैंडल की रेंज भी बहुत ज्यादा वाइड है मार्किंग की बात करें तो मार्किंग कर सकते थे हम लेकिन यही कैंडल अगर वीकली है मंथली है ना तो इसे मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव कैंडल है है वीक वीक क्लोज क्लोज नहीं हुआ है। वीक क्लोज कब होगा फ्राइडे फ्राइडे को को अगर ऑफ रहता है, तो थर्सडे होता बट जिस दिन भी वीक लास्ट वर्किंग डे है उस दिन ये कैंडल क्लोज होगी और तब तक, तक क्या है कि ये अप एंड डाउन डांस करेगी आज ये कैंडल यहां है कल की कल ही अगर एल एन टी एफ एच रिकवर हो जाए और ये बेस कैंडल बन जाए तो वैसे बेसिकली बताऊं क्या ये जो लेगाउट दिख रही है ना आपको ये आज ही दिख रही है अगर यही पिक्चर हम कल डिस्कस कर रहे होते ना तो आज की कैंडल क्या है देखिए आज की ये कैंडल है डेली वाली कैंडल अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए है। ये है डेली की कैंडल इस कैंडल को हटा दीजिए मान के चलिए कि कल डिस्कस कर रहे हैं कल डिस्कस कर रहे होते तो इसकी क्लोजिंग कहां देखिए 93 और 94 के बीच में है मतलब समवेयर अराउंड 93.5 के बीच में इसकी क्लोजिंग है तो वीकली पे जाते हैं और 93.5 देखते हैं 93.5 देखिए यहां लग रहा है ना इस एरिया पे कल ये कैंडल यहां थी तब कल ये बेस ही लग रही थी तब हम इसको देखते भी नहीं और सीधा डायरेक्टली ऊपर जाके कोई दूसरा सप्लाई जोन ढूंढ रहे होते आज हमें ये लग रही है कि एक्साइटिंग एक सी है बट रिमेम्बर ये अभी क्लोज नहीं हुआ है कल हो सकता है कि ये इससे भी डाउन आए और ये प्रॉपर और भी अच्छी लेगआउट बन जाए और हो सकता है कि कल की कल इसमें रिकवरी आए और ये बेस कैंडल बन जाए हो सकता है कि कल इस वाले डिमांड जोन में एंट्री मिले और एंट्री मिलने के बाद में ये कल तो रिकवर होकर यहाँ चली जाए और परसों हो सकता है कि ये जो है ग्रीन बेस में बन जाए और अगर रैली इतनी बड़ी आ गई कि 98 को क्रॉस कर दिया तो हो सकता है कि ये एक एक्साइटिंग कैंडल में भी कन्वर्ट हो जाए मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज है कल अगर ये बीस चल जाए तो ये ग्रीन एक्साइटिंग में बन जाए कहने का मतलब ये लाइव कैंडल है और अभी हमारे पास में इस वीक में टाइम है तो हर एक पॉसिबिलिटीज है ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बन सकती है रेड बेस कैंडल बन सकती है ग्रीन बेस बन सकती है ग्रीन एक्साइटिंग बन सकती है कुछ भी बन सकती है तो लेग आउट कैंडल को हम तब तक नहीं मानते जब तक वो कैंडल क्लोज ना हो जाए लाइव कैंडल को कभी भी एज ए लेग आउट कैंडल कंसिडर नहीं करते हैं और अगर यही कैंडल अगर मंथली की होती है ना तो रिमेंबर मंथली के ऊपर में हम मंथ क्लोज होने का वेट करते हैं मंथ क्लोज होने का वेट अभी आप सोचें कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्यों नहीं किया सर फेडरल बैंक के अंदर में मंथली के ऊपर में जो देख रहे थे तो देखिए ये हमारी पहले ही बन चुकी है ये अक्टूबर मंथ की है इस मंथ क्लोज होने का वेट का क्या करना हमें अगर ये कोई डिमांड जोन होता है ना तो फिर वेट करते इसको हम लेगाउट मान ही नहीं रहे हैं ये लेगाउट थोड़ी लेगाउट तो ये है हमारी अगर ये लेगाउट का रोल प्ले कर रही होती है ना कहीं पे तो फिर इसका क्लोज होने का वेट करते बट यहाँ पे ये का नहीं ये भी नहीं है ये चाहे किधर भी क्लोज हो हमें क्या लेना देना हमारे पास में में ऑलरेडी डिमांड डिमांड जोन जोन बन चुका चुका और ये जोन तो अक्टूबर क्लोजिंग के बाद हो चुका था बट हाँ यही सारा डिस्कशन हम आज ट्वेंटी फोर अक्टूबर को कर रहे होते ना और ये कैंडल कुछ ऐसी होती 24 अक्टूबर को तो फिर इस मंथ के क्लोज होने का वेट करते हम इस मंथली डिमांड जोन को कंसीडर नहीं कर सकते थे क्यों क्योंकि ये कैंडल क्लोज नहीं हुई उस केस में हम डाउन जाते फिर ये कंसिडर करते हैं कि हाँ ये तो क्लोज हो चुके ना ये दोनों तो फिर हम इस वाले एरिया को मार्क करते हैं ओके okay, मार्क्के आते हैं उसी एग्जांपल के ऊपर में वीकली इनकम ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली का डिमांड जोन मार्क कर लिया और हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई जोन है वो वैलिड नहीं है अगर वो सप्लाई जोन वैलिड नहीं है तो इसको हटाते हैं करंट मार्केट प्राइस पे एक रेफरेंस के लिए लाइन रख लेते हैं जो डिमांड जोन है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ओके करंट मार्केट प्राइस के नीचे एक डिमांड okay. जोन हो गया अब बात करते हैं दूसरे किसी सप्लाई जोन की अगर नहीं होता सप्लाई जोन ये मानते कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर में तो डायरेक्टली यहीं से ट्रेंड देख के लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट करने का सोचते लेकिन ऑल टाइम हाई पे नहीं है कोई सप्लाई जोन अगर है इसमें मान के चलिए इसमें भी कोई सप्लाई जोन नहीं मिलता कहीं पे भी नहीं मिलता तो अगेन वही पिक्चर कंसिडर करते हैं। जब सप्लाई जोन नहीं है तो रिट्रेसमेंट मार्किंग नहीं हो सकती गो विद द ट्रेंड अगर ट्रेंड लॉन्ग सजेस्ट कर रहा है डिमांड जोन ऑलरेडी मिल चुका है लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं डेली पे एग्जीक्यूशन मिले तो ओके okay, यहां से साथ साथ चलते हैं और ये देखें कि कोई है क्या जोन बहुत सारी बेस कैंडल बहुत सारी बेस कैंडल चाहे तो एक बार के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं बट कुछ खास मजा सा नहीं लग रहा फिर आप ये सोचें कि इसको कंसिडर कर लेते हैं प्रॉपर लेगआउट नहीं है बट एक ओरिजन जरूर है सेलिंग का कंफ्यूजन लग रहा है तो छोड़ देते हैं कंप्लीटली छोड़ देते हैं और ऊपर जाते हैं ये सही है क्या यस yes. चाहो तो विक टू विक मार्क कर लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्या अच्छा लग रहा है आपको तो विक विक कर लो क्या दिक्कत है ओके okay, तो मतलब परफेक्ट लग रहा है एनीवेज हमें यहां पे तो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके अकॉर्डिंगली बाई सेल के एक्शन लेनी है हम तो बस खाली मार्किंग कर रहे हैं तो डिमांड जोन भी मिल गया और सप्लाई जोन भी मिल गया इसको भी बोल्ड कर देते हैं कलर आप लोग चेंज कर लेना डिमांड सप्लाई दोनों मार्क हो गए रिट्रेसमेंट ड्रो करें अगला स्टेप यही है कि मार्क नियरेस्ट नियस्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं यहां से यह पोर्शन हो गया पोर्शन हो गया हाई ऑन द कर सिमिलरली ये हो गया लो इन द कर जो डिमांड जोन है उसे हम बोल सकते हैं वेरी हाई ऑन द कर सप्लाई जोन जो है सॉरी डिमांड जोन को वेरी लो इन द कर और सप्लाई जोन को वेरी हाई ऑन द कर शॉर्टकट में लिख देता हूं वेरी हाई ऑन द कर वी एच ओ सी हाई ऑन द कर इक्विलिब्रियम ई क्यू बी लो ऑन द कर एल ओ सी एंड ये हो गया हमारे पास में वेरी लो द कर कहा है प्राइस अभी इन द कर में बट स्टिल मैंने आपको बताया ट्रेंड देख लेते हैं क्योंकि तो अभी तो लो इन द कर में है कुछ दिन पहले देखिए यहां पर में जाते जाते बची थी तब तो हम ट्रेंड डेफिनेटली देखते ही देखते ना तब तो हम ट्रेंड देखते ही देखते हैं यस yes. जब ट्रेंड चेक कर रहे हैं तो हम लाइव कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बेसिकली लोन दर्व है में होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती हम तो ये देखते कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ है और उन सब चीजों का सोल्यूशन पहले से ये है कि पहले से ट्रेंड देख लो ताकि उन सब चीजों की टेंशन ही खत्म हो जाए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा होगा मंथली सही है क्यों क्योंकि वीकली पे देखा वीकली के ऊपर मंथली पे चले जाते हैं ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम के लिए God, यहां किसी ने यस नहीं लिखा नहीं तो मैं सच में अपना सर खुजाने लग जाता यस yes, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाउन जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली के ऊपर में ट्रेंड चेक करेंगे क्योंकि एक्सेल भी यही सजेस्ट कर रही है वीकली के बाद में डेली पे जाते हैं और डेली के ऊपर में हमने देखा कि हमारा ट्रेंड क्या है यहाँ पे अप ट्रेंड है आप चाहें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये रही सेवंथ कैंडल वट्टी का लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे करंट कैंडल लाइव हो या कुछ भी हो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है एक होरिजोनटल लाइन यहाँ ड्रो करेंगे जो कि ऑलमोस्ट ड्रॉ ही दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है ट्रेंड हमारा ट्वेल्व टू थ्री के बीच में है ट्रेंड हमारा अप है अब यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज हो, हो जाता तो क्या करते हैं ट्रेंड साइडवेज हो जाता तो तो उसे कल के लिए छोड़ देते हैं क्यों अननेसेसरी एक दिन में ज्यादा कंफ्यूज होना उसका भी सोल्यूशन है बट उसके लिए जरूरी है ना कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिले ओके okay, वीकली पे लोकेशन हो गया डेली पे ट्रेंड अप हो गया इसका मतलब हम लॉन्ग की ट्रेड लेने के लिए अलाउ हैं और लॉन्ग की ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे हमें लेनी चाहिए मिनट पे ले सकते हैं वन ट्वेंटी फाइव मिनट पे ले सकते हैं सेवेंटी फाइव मिनट पे ले सकते हैं टू फोर्टी मिनट के ऊपर ले सकते हैं एक काम करते हैं, सारे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, हैं। ट्रेड है क्या यहाँ पे सिक्सटी पे यस yes, दिख रही है यहाँ पे सिक्सटी के बाद में सेवेंटी फाइव पे और जाते हैं सेवेंटी फाइव पे भी दिख रही है ट्रेड तो वन ट्वेंटी फाइव पे जाते हैं वन ट्वेंटी फाइव पे भी दिख रही है टू फोर्टी पे जाते हैं टू फोर्टी टाइम मिनट पे भी दिख रही है मतलब सभी टाइम फ्रेम पे दिख रही है अब सभी टाइम फ्रेम पे दिख रही है तो ही लेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्या आप ये सोचें कि सर किसी एक दो टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती तो कोई दिक्कत नहीं है किसी पे भी दिखती बट अगर अभी सभी पे दिख रही है तो मैं 125 जो है इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा 125 को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्यों दूंगा वो आगे बताऊंगा क्योंकि अभी मुझे मेरी मर्जी मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं 125 मिनट पे ही लूंगा तो आप लोग भी 125 पे ही ले लीजिए विच वन इज द बेस्ट बिकॉज मैं अगर अपनी मर्जी चला रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली 125 ही बेस्ट होगा ना ओके okay. देखिए यहाँ पे साथ साथ में एक डिमांड जोन और ये भी दिख रहा है क्या इसको भी कंसिडर कर लें क्या नो no. देखिए डिमांड जोन तो है मार्किंग कर लेते हैं मार्किंग करने में क्या जा रहा है ये रहा डिमांड जोन वन आज ही बना ये आज ही वन ट्वेंटी फाइव मिनट पे जाते जाते इसमें बाइंग आ गई मॉर्निंग से एक अच्छी सेलिंग प्रेशर था स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बस जाते जाते बाइंग आ गई तो एक नॉर्मल सा बन गया जो कि बस कहने का ही है चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ये है ड्रॉप बेस रैली क्या विक टू विक ले लें क्या इसे अच्छा लग रहा है सिंगल बेस है ओके okay, तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं कि दोनों में कौन सा बेस्ट है डेफिनेटली लोअर ही बेस्ट है बट स्टिल हम इसको भी कल नंबर दे लेंगे एक बार कि लोअर ही बेस्ट है या फिर ये कहें कि आज ये बनता ही नहीं एक ही डिमांड जोन बनता तो फिर उस केस के अंदर में क्या करते है? कि एक ही डिमांड जोन बना यहां पे तो क्या वो लेने लायक या नहीं बी तो कल नंबर दे अभी तो ये समझ में आ रहा है वेरी इन द कर्व है तो जो हम बात कर रहे थे ना वेरी लो इन द कर पे हमने एक पॉइंट लिखा था डेफिनेटली बाई तो वो चीज तो इसमें जस्टिफाई हो रही है वेरी लो इन द कर में डेफिनेटली बाई वाली तो और जोन भी अच्छा लग रहा है ओरिजन का जोन लग रहा है अच्छा ये बताइए एक जोन तो ये भी तो दिख रहा था ये तो नहीं चला सुबह सुबह टूट गया ये वाला एरिया तो ये वाला एरिया तो क्योंकि अगर इसको कल मार्क करते तो हो सकता कि आप में से कुछ लोग ये कहते अगर कल की बात करें तो ये तो कैंडल आज की है ना सारी कल पे अगर बात करें कि कल ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होते तो कल हम यहां होते तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी तो जोन होता देखिए यही तो चीजें हम प्रैक्टिकली समझते आए हैं कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना भले ही एक रैली बेस रैली दिख रहा है बट ये रैली बेस रैली की जो लेगिन है ना वो ऑलमोस्ट एक गार्बेज का रोल प्ले कर रही है नंबर पहली चीज तो ये चलो मान लो कि इसको लेगिन मान भी लें कि गार्बेज नहीं भी होता लेगिन मान भी लें तो आप इस वाली कैंडल को देखिए इस वाली कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट बेस कैंडल ही है ये इसका हाई यहां तक है इस कैंडल का हाई यहां तक है यहां आके क्लोज कब होती है जब एक सेलिंग प्रेशर आया हो टॉप से तो सेलिंग प्रेशर टॉप से आता है तो जाके ये यहां क्लोज होती है मतलब बायर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग अच्छी नहीं है इस वजह से टूट गया और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आगे हम और सीखेंगे इसको वेंट टू बी कंजर्वेटिव जिसका सिंपल सांसू मिलेगा आपको कि ये सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही है ये देख रहे हो ये वाला सप्लाई जोन इस वाले से और वीकली के सप्लाई जोन से जस्ट प्राइस डाउन आ रही है और वहां पे आप 125 का वो वाला जोन लेने जा रहे हैं जिसकी लेगआउट कैंडल ने जस्ट इसको हिट किया है एनीवेज ये वेंट टू बी अग्रेसिव वेंट टू बी कंजर्वेटिव में डिटेल में समझेंगे अभी के लिए तो आपको जो सिंपल शॉर्ट आंसर चाहिए था वो यही है कि वहां पे अभी यहाँ पे देख लीजिए ये वीकली की टू बनने वाली थी लेकिन टू कैंडल बनते बनते एक ही सिंगल लेग आउट कैंडल रह गई ये तो बेस ही बन के रह गई ना अदरवाइज तो टू लेग आउट कैंडल बनने वाली थी कहने का मतलब ऊपर वाला तो वैसे भी पावरफुल नहीं लग रहा था गार्बेज एरिया प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होना और मैंने एक एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको अभी से बताया है अब हमारा सवाल है सिर्फ यहाँ यहाँ तक का अब इसको भी कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे ये हम कल डिस्कस कर लेंगे तो ये हो गए डब्ल्यू आई टी ट्रेड अब आपने ये नोटिस किया होगा कुछ एक क्वेश्चन कि सर शॉर्ट की ट्रेड नहीं मिल रही देखिए हम हमारी मर्जी से तो कुछ ढूंढ ही नहीं रहे ना जो अगर ट्रेड सेटअप हमें अलाउ कर रहा है वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे लॉन्ग की अलाउ हो रही तो लॉन्ग की लेंगे शॉर्ट की अलाउ हो रही तो शॉर्ट की लेंगे अभी अगला कोई एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं जिसमें हो सकता है शॉर्ट की ट्रेड भी अलाउ हो ओके और भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सारे आंसर दूंगा अभी सारे पॉइंट को वापस से रिकैप करेंगे तो सारे मैं सब चीजें कवर कर दूंगा डोंट वरी अच्छा एक बात बताइए मुझे आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि अगर किसी स्टॉक के अंदर में मुझे मंथली इनकम ट्रेड मिल गई एमआईटी ट्रेड तो क्या डब्ल्यू ट्रेड भी मिल सकती है क्या यस yes, मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती दोनों पॉसिबिलिटीज है बट ऐसा नहीं कि, कि कभी भी नहीं मिल सकती एमआईटी मिल गई डब्ल्यू आई भी मिल सकती है और हो सकता है डी भी मिल जाए और हो सकता है सबकी सब पास पास में ही हो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कोई एग्जाम्पल आएगा तो देखेंगे चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई करता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि मंथली इनकम ट्रेड जो है ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को कि जो मंथली इनकम ट्रेड है वो तो मिले शॉर्ट की और वीकली इनकम ट्रेड मिले लॉन्ग की यस ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा भी हो सकता है तो उसके अंदर में जिसमें भी जहां पे भी एंट्री मिलती है उस अकॉर्डिंगली हम प्ले कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर करंट मार्केट प्राइस ये रही डियर लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब ये लॉन्ग का मतलब हम बाइक की ट्रेड की बात कर रहे हैं और शॉर्ट का मतलब ये कि हम सेल की ट्रेड की बात कर रहे हैं ओके करंट मार्केट प्राइस ये रही करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए एक नियरेस्ट फेस्ट डिमांड जोन मार्क करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे एंड आई थिंक इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एम आई राइट ओके क्या इसको सप्लाई जोन कंसिडर कर सकते हैं ठीक है चलो अच्छा लग रहा है वीक रख लेते हैं खुद सब इसको सप्लाई जोन मान सकते हैं यस क्या दोनों फ्रेश है यस एग्जैक्टली राहुल जस्ट फॉर द लोकेशन पर्पज लोकेशन पर्पज से हम इसको मार्क कर सकते हैं क्लोजिंग अच्छी नहीं है बट लोकेशन की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे तो हम कंसिडर कर सकते हैं अगेन मैंने बताया ना गार्बेज हो कोई दिक्कत नहीं है लोकेशन की जहां पे बात है तो गार्बेज भी अलाउ है क्लोजिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा बेस कैंडल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेग आउट वीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वो सारे रूल हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे अप्लीकेबल करने हैं वो सभी वहीं पे अप्लाई होंगे वहीं पे वही उनको वहीं पे कंसिडर करना है दोनों डिमांड हो गए दोनों सप्लाई हो गए एक रिट्रेसमेंट लाइन ब्रो करते हैं जल्दी से बताइए क्योंकि कहां है आप हाई ऑन द कर है एक्शन क्या होता है हाई ऑन द कर के ऊपर में सेल हाई ऑन द कर पे हम सेल के लिए देखते हैं बट स्टिल हम कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं ट्रेंड के साथ में जाते हैं ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा होगा मंथली पे लोकेशन मार्क कर रहे हैं तो वीकली ट्रेंड क्या लग रहा है डाउन तो मतलब शॉर्ट की ट्रेड देखनी चाहिए एक तो हाई ऑन तरफ है और ट्रेंड भी डाउन लग रहा है तो शॉर्ट की ट्रेड पे फोकस करना चाहिए कहाँ पे जाके करेंगे डेली के ऊपर में जाके ये रही करंट मार्केट प्राइस और इसको कंसिडर करते हुए अगर सप्लाई जोन मार्क करें ये टेस्टेड लग रहा है ये सही है बट इसमें देखिए कितनी सारी बेस कैंडल है क्या इसे मार्क करूं क्या रहने दू छोड़ते हैं अरे ये तो बहुत घटिया लग रहा है इसके ऊपर जाते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं क्या इसे मार्क करूं कि फिफ्टी फिफ्टी आंसर है कुछ लोग बोल रहे हैं मार्क करो कुछ लोग कह रहे हैं गार्बेज लग रहा है चलो ठीक है इसको कर लेते हैं मार्क दो चीजें तो होनी चाहिए ना कंपेरिजन के लिए तो इस वाले को मार्क कर लेते हैं हाइएस्ट लोवेस्ट बॉडी एंड हाइएस्ट वीक सही है मार्किंग इस मार्किंग सही है कोई ज्यादा क्वालिटी नहीं लग रही बट हाँ ठीक है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल सा लग रहा तो उस वजह से बस हमने कंसिडर कर लिया नो डाउट बेस कैंडल ज्यादा है कल जब नंबरिंग देंगे तो अपने आप ही वो मतलब कि इसमें कितना पोटेंशियल वो सामने आ जाएगा इसके और ऊपर जाए तो क्या इसको मार्क कर लें बॉडी एंड विक ये क्वालिटी का लग रहा है दो दो कैंडल अच्छा लग रहा है तो बेसिकली दो सप्लाई जोन हो गए हमारे पास में सप्लाई जोन वन एंड सप्लाई जोन टू दोनों में से कौन सा क्वालिटी का लग रहा है सप्लाई जोन टू तो सप्लाई जोन टू तो अच्छा लग रहा है फिर भी कल इसको नंबर देंगे सप्लाई सप्लाई जोन जोन को को भी को भी तो देखिए अपने आप ही हमने कुछ अपनी मर्जी से मार्क नहीं किया सिस्टम ने हमें अलाउ की की कि टाटा मोटर में इस रेट पे आए तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं अब आई एम श्योर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तक का वेट करें क्या उससे पहले कुछ भी नहीं करें क्या लॉन्ग करें ही नहीं क्या क्यों नहीं करेंगे ये हम मंथली इनकम ट्रेड की बात करें आप डब्ल्यू आर टी पे जाइए क्या पता आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग की ट्रेड मिल जाए कि कल यहाँ डिप मिले तो क्या पता आप लॉन्ग लेने के लिए अलाउ हो आप डीआईटी ट्रेड ढूंढिए आज यही काम कर लीजिए होमवर्क यही इसमें डीआईटी देख लीजिए कोई भी स्टॉक उठाइए उसमें डीआईटी डब्ल्यू आई टी एच आई टी देखिए और उनके एग्जाम्पल शेयर कीजिए मेंटोर को कल हम डीआईटी एच आई टी भी डिस्कस कर डीआईटी और एचआईटी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड मिलती है सबसे ज्यादा ट्रेड मिलती है डीआईटी और एच आई टी क्योंकि हर दिन एक डेली की कैंडल बनती है और हर तीन चार कैंडल में कोई ना कोई एक्साइटिंग होती है मंथली कैंडल के लिए तो हमें पूरे मंथ का वेट करना पड़ता है वीकली के लिए पूरे वीक का वेट करना पड़ता है डेली तो हर दिन बनती है और आर्ली तो हर सिक्सटी मिनट में बन रही है सेवनटी फाइव को भी कंसिडर करें तो सेवेंटी फाइव मिनट में बन रही है तो वहां पे तो खूब सारे जोन बनते हैं चलते हैं टूटते हैं चलता ही है रहता है ये प्रोग्राम ओके तो यहाँ पे आप डब्ल्यू आई टी डी आई टी ये भी देखिएगा अभी फिलहाल के लिए हमें एक शॉर्ट की ट्रेड मिली है यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों में कौन सा अच्छा कल इनको नंबर देंगे अब मैं ये बात कर रहा था कि एम आई टी तो मिल गई चलो ठीक है शॉर्ट की अगर इसी स्टॉक में मेरा यह मन कर गया कि मैं कोई डब्ल्यू आई टी ट्रेड भी ढूंढूं इसी स्टॉक के अंदर में तो एक बार के लिए सब चीजें डिलीट कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाते हैं जो कि यहां लग रहा है क्या इसको मार्क कर लो सही है नो no. देखिए लाइव कैंडल है स्टिल वीक वीकली कैंडल है तो लाइव कैंडल को कंसिडर नहीं कर सकते हैं अगर ये क्लोज हो जाता तो हम कंसिडर कर सकते थे बट अभी कंसिडर नहीं कर सकते इसको तो कंसिडर कर सकते हैं ओके ठीक है तो वीकली का फ्रेश डिमांड जोन मार्क हो गया थोड़ा लाइनें बोल्ड कर लेते हैं ताकि चार्ट पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ये रही करंट मार्केट प्राइस सप्लाई जोन की अगर बात करें ये तो टेस्टेड है ये देखिए जो पहले अभी हमने समझा था ना वैसे ही वापस से सिचुएशन आ गई ऐसे मार्क कर लू क्या इसको आप लोग बोलोगे तो ही करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा और फिर इतने सारे नौ लिख दिए अपने चलो दूसरा देखते हैं इसके ऊपर में सप्लाई जोन सप्लाई जोन सप्लाई जोन अगर यही पसंद नहीं आए तो इसमें भी क्या ही लगेगा आपको अच्छा और फिर अगर इसकी बात करें तो ये टेस्टेड होगा फिर तो इसमें कोई बन ही नहीं रहा फिर तो इसके अंदर में कोई लग ही नहीं रहा अब यही ऑप्शन है या तो इसको मार्क कर लो या फिर इसको भी छोड़ दो दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं इसको मार्क करके भी और इसको नहीं भी जिन लोगों को ये लग रहा नहीं सर ये भी बेस कैंडल है और उसके अकॉर्डिंगली ये टेस्टेड है ये प्राइस डाउन भी आ चुकी है तो छोड़ दीजिए चलो छोड़ देते हैं एनी हम ये देखेंगे ट्रेंड क्या है क्या ट्रेंड है इसका डाउन क्या शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते क्यों क्योंकि कोई सप्लाई जोन तो मिले कोई सप्लाई जोन तो हो ट्रेंड और सप्लाई जोन दोनों सपोर्ट तो करें एक दूसरे को ट्रेंड और सप्लाई जोन सपोर्ट तो करे एक दूसरे को और चलो मान लो इसको हम मान के कंसिडर कर भी लें तो फिर आप देखिए कि कोई है क्या अच्छा एग्जीक्यूशन क्योंकि लोकेशन पे तो आपने मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि घटिया से घटिया क्वालिटी अपन ने उठाई है लोकेशन पे फिर एग्जीक्यूशन में कुछ तो दम हो कुछ तो पावर हो एग्जीक्यूशन में इसको मैं थोड़ा सा ऑपोजिट सिचुएशन से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जब ट्रेंड डाउन है लोकेशन डिमांड का अच्छा लग रहा है सब कुछ बढ़िया लग रही है क्या पता कि कोई ऐसी ट्रेड मिल जाए जो कि एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो डिमांड का देखिए ध्यान से सुनिएगा डिमांड का लोकेशन मिल गया और एग्जीक्यूशन मिल गया बस एक चीज प्रॉब्लम है कि ट्रेंड डाउन है वीकली इनकम ट्रेड लॉन्ग लेने की आप लोग सोच रहे हैं जिसमें आपको एग्जीक्यूशन भी मिल जाए मान लेते हैं कि मिल जाए और लोकेशन तो मिल ही गया बस ट्रेंड डाउन है ट्रेंड फेवर में नहीं है लो इन द कर के अंदर में रिस्की है वेरी लो इन द कर के अंदर में हम स्किल चांस ले सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड ये करेगा कि हमारा एग्जीक्यूशन है कैसा बेसिकली वन ट्वेंटी फाइव सबसे पहले वन ट्वेंटी फाइव पे गए एक तो एग्जीक्यूशन ये रहा एक इसके कुछ नीचे भी दिख रहा ओरिजन का सिक्सटी पे जाए सिक्सटी पे भी मिल रही है पिक्चर तो अच्छी सेवनटी फाइव पे जाए सेवनटी फाइव पे भी लग रहा है टू फोर्टी पे जाए टू फोर्टी पे भी बन रहा है मतलब सभी टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो वन ट्वेंटी फाइव पे वापस जाते हैं और वन ट्वेंटी फाइव पे जाने के बाद में आप लोग देखेंगे कि एक तो ये रहा एज पर द एक्सेप्शनल मार्किंग एक ये रहा मूव अच्छी है गैप के साथ में विक टू विक कंसिडर कर लिया और एक इसके जस्ट नीचे है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने ओरिजन को कैप्चर कर लिया विक टू विक मैंने मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बेस कैंडल ज्यादा लग रही थी अगर इसको मैं मान भी लूँ एक बार के लिए रैली बेस रैली थ्री बेस कैंडल ही मान लू कंसिडर कर भी लू कि इसकी बॉडी फिफ्टी परसेंट से हल्की सी ज्यादा होगी तो भी मुझे पता कि यहाँ पे जो बाइंग का एक्चुअल ओरिजन है ना वो यहाँ कहीं पे लग रहा है यहां कहीं पे लग रहा मुझे तो एक बार के लिए इसको मान लेते हैं 125 के ऊपर में यस हो सकता है कि 60 मिनट के ऊपर में हमें और भी कोई जोन मिल जाता यहां पे भी उसकी बात अपन बाद में कर लेंगे तो बेसिकली अभी के लिए हमारे पास में तीन पिक्चर है सबसे पहले तो ये वाली फिर ये वाली और फिर ये वाली तीन पिक्चर है तीन डिमांड जोन है हमारे पास में कल इनकी नंबरिंग देंगे कि इनमें कौन सा अच्छा बट अभी के लिए जो एक क्वेश्चन था ये कि इनके अंदर में लॉजिकली अपने को इस पे तो कंसिडर नहीं करना चाहिए इसको दो तो। और उसके पीछे रीजन ये है कि ये है लो इन द कर्म और ट्रेंड जो है वो हमारे अगेंस्ट फेवर में नहीं है ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है ये वाला जो है ये कहां है ये वेरी लो इन द कर्म है क्योंकि देखिए ये दोनों थिक है ना इनके बीच में लग रहा है ये ये दोनों डिमांड जोन जो है वो इन थिक लाइन के बीच में लग रहे हैं और अगर ऐसा है तो ये वेरी लो इन द कर में दोनों डिमांड जोन तो वेरी लो इन द कर के अंदर में हम फिर भी चांस ले सकते हैं वेरी लो इन द कर में हम ट्रेंड के अगेंस्ट में फिर भी चांस ले सकते हैं और मान के चलिए कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज है एक बार मेरे कहने से मान लीजिए कि इसका ट्रेंड साइडवेज है तो फिर मतलब डाउन से तो ठीक ही है ना डाउन से तो ठीक है इतना तो आप लोग भी समझते हैं कि अगर आप ट्रेंड होता तो डेफिनेटली हमारे लिए बेटर होता लेकिन अभी भी डाउन से तो ठीक हुआ ना साइडवेज हुआ दो तो हमारे उसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं और मैं आपको ये कहूं कि आगे चल के हम एक बहुत अच्छी ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे जो कि एडवांस ट्रेंड एनालिसिस होगी जो कि हमें सिंपल मूविंग एवरेज जो चीज बता रहा है ना वो उससे भी पहले ही बता देगी कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है उसके लिए हमें पहले जरूरी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझे कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है वो हम मूविंग एवरेज की क्लास में सीखेंगे और फिर आएगी एक एडवांस ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी थ्योरी जो कि बिल्कुल कंप्लीटली यूनिक है एंड आई एम श्योर कि आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड चाहे हायर हाइज हो हायर हाइज लोअर लोस थ्योरी सीखी हो चाहे पीवट पॉइंट वाली थ्योरी सीखी हो कोई भी थ्योरी ट्रेंड एनालिसिस की आपने इंडिकेटर कोई भी मूविंग एवरेज इनके भी पे सीखे वो उन सबसे एडवांस और आपको हमेशा आगे रखेगी

वो थ्योरी सीखे तो आपको ऐसा लगे कि वाह ये बहुत अच्छी चीज दे दी सर ने अब तो मतलब मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी मुझे यहाँ पे मैं लॉन्ग के ट्रेड लेने के अंदर में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था लेकिन अब मुझे पता लग गया कि इसमें ट्रेंड भी मेरे फेवर के अंदर में है तो फिर उस केस के अंदर में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल के ऊपर में हो जाए वो जो थ्योरी होगी एडवांस ट्रेंड एनालिसिस वाली वो सबसे एडवांस होगी सबसे एडवांस मतलब अभी तक उससे एडवांस थ्योरी कोई है ही नहीं पूरे मार्केट में पूरी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं और जब वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगी सच में उससे एडवांस नहीं हो सकती थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है बट मैंने बताया ना दो दिन डिफिकल्ट का तो सोल्यूशन है एक बार रिकॉर्डिंग देखी दूसरी बार देख ली सोल्यूशन हो गया ऐसा नहीं है कि वो वन वन मंथ तक आपको आई नहीं रही है दो तीन दिन में क्लियर हो जाती है और मैं अपने वे में बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा डोंट वरी ओके तो फिलहाल के लिए भले ही उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका कुछ भी ट्रेंड हो बट जो आज हमने सीखी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है और हम ये मान के चल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर में हमें लो इन द कर्व को तो नहीं लेनी चाहिए वेरी लो इन द कर्व में फिर भी चांस ले सकते हैं अगर ट्रेड सेटअप अच्छा है तो वेरी लो इन द कर्व में तो हमें ट्रेड सेटअप अच्छा ही लग रहा है मतलब कि हमें कोई ऐसी इश्यू लग नहीं रहा ना वेरी लो इन द कर्व के अंदर में तो फिर हम उस ट्रेड को कंसिडर कर सकते हैं अब आप लोगों का जो होमवर्क है मैं सारे पॉइंट क्विकली समराइज करूं उससे पहले आप लोगों का होमवर्क सुन लीजिए जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं अभी टाटा मोटर ये स्ट्रक्चर इनके अंदर में आपको जो टाइम फ्रेम बच गए ना उनके कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कीजिए ट्रेड ढूंढिए अपनी मर्जी से जबरदस्ती ऐसे नहीं बनानी है कि मैंने कोई भी स्टॉक ओपन किया और इस स्टॉक के अंदर में मुझे एक शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी है वो भी वीकली इनकम पे वीकली इनकम ट्रेड नहीं ऐसा नहीं जो लोग बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस लिख रहे हैं बार बार में वो बजाज फाइनेंस के अंदर में ही दिख के बताएंगे मेरे को पता है बजाज फाइनेंस में ट्रेड है वो ट्रेड है बजाज फाइनेंस के अंदर में और वो आप ढूंढेंगे अब मैं ना टाइम फ्रेम बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम पे है ना मैं ये बताऊंगा लॉन्ग की है शॉर्ट की है सौरभ आप विप्रो पे ढूंढेंगे अब जो जो भी स्टॉक तो का नाम लिखेंगे ना उसी के ऊपर में उनको ट्रेड ढूंढनी है चिराग आप कोफोर्ज में ढूंढेंगे अर्जुन आप कैम्स में ढूंढेंगे यस विशाल आप टाटा एलेक्सी कपिल आप एशियन पेंट जो भी जितने भी नाम लिखते जा रहे हैं न, वो उन्हीं के अंदर में ढूंढेंगे आप प्रणव नेचुरल गैस मैं नहीं देख सकता क्योंकि अभी इक्विटी पे डिस्कस कर रहे हैं कमोडिटी एक अलग सेगमेंट है मैं खुद नेचुरल गैस के अंदर मेरी ट्रेड चल रही है मैं कभी कभार लेता हूँ कमोडिटी में कभी कभार रेयरली केस के अंदर में मैं उसमें पांच पांच मिनट के ऊपर मैं कल से स्कैल्पिंग कर रहा हूँ अच्छी चल रही है बट वो अभी का टॉपिक ही नहीं है वो है ही नहीं वो बिल्कुल मतलब मुझे पता है कि सब लोग फिर कमोडिटी में घुस जाएंगे तो ऐसी कोई भी चीज मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा जो कि इतने सारे लोगों को कंफ्यूज कर दे ये जो जो भी स्टॉक के नाम लिखे हैं ना उन सब के अंदर में ही आप लोग ट्रेड ढूंढेंगे उन सब के अंदर में ही देखिए जरूरी नहीं कि उनमें मिले जरूरी नहीं है कि उनमें मिले और जबरदस्ती अपनी मर्जी से क्रिएट करके भी मत देना ट्रेड कि आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती क्रिएट करें ट्रेड और फिर वो मेंटोर को सेंड करें अभी ट्रेड नहीं लेनी है जो लोग लिख रहे हैं सर कल टाटा मोटर में लॉन्ग हो जाए अभी बहुत सारी चीजें बाकी है डेयर रिस्क मैनेजमेंट तक तो एटलीस्ट रुको रिस्क मैनेजमेंट के बाद में मैं अलाउ कर दूंगा आपको कि रिस्क मैनेजमेंट के बाद में आप ट्रेड ले सकते हैं लेकिन कुछ ही कंडीशन के ऊपर में क्योंकि उसके बाद में भी जो टेन नेक्स्ट क्लास होंगी ना टेंथ क्लास में रिस्क मैनेजमेंट है तो उसके बाद में भी जो नेक्स्ट क्लास होंगी उनके अंदर में कुछ एक एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे हो सकता है फिर आपको यह लगे कि उस ट्रेड में मैं ऐसा नहीं इसको भी कंसिडर करता तो बात अलग होती बट वो लेना जरूरी है कि उनमें क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम रिस्क के साथ में अलाउ करूंगा हो सकता है पॉइंट

और जो लोग वेट करना चाहें कि नहीं पूरी ट्वेंटी क्लास का वेट करने के बाद में ट्रेड लेंगे तो भी उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं बट कभी भी जब करो ना पेपर ट्रेड मत करो पेपर ट्रेड कुछ भी इंप्रूव नहीं करती है हमेशा करो के साथ में करो, करो। एनीवेज उन सारी, सारी चीजों के रूल मैं आपको टेंथ क्लास में बता दूंगा कि आज से आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट करनी है अभी के लिए होमवर्क आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है जो जो आप स्टॉक का नाम लिख रहे हैं उनके अंदर में ट्रेड ढूंढनी है चाहे से सुनिए एमआईटी हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे डी हो चाहे एच हो चाहे क्यू हो चाहे हाफ ईयली इनकम ट्रेड हो चाहे ईयरली इनकम ट्रेड हो वो आपको ट्रेड ढूंढनी है चाहे लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो बट मेक श्योर की उसके अंदर में जो आज हमने कंडीशन पढ़ी है ना वो सब की सब जस्टिफाई हो उनको कंसिडर करते हुए ट्रेड ढूंढनी अच्छा एक बात बताइए जो लोकेशन हमें मिल रहा है लोकेशन हमें मिल गया एग्जीक्यूशन जो है क्या जरूरी है मिले हर बार यहाँ पे जो हमें वीकली का लोकेशन मिला अगर कहीं पे एग्जीक्यूशन नहीं मिलता तो यस yes, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है ना कि लोकेशन है लोकेशन के बाद में एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो नहीं मिला ओके okay, इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके लिख लीजिएगा इसको भी कल सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लोकेशन मिला तो क्या जरूरी है कि एग्जीक्यूशन मिलेगा ही मिलेगा क्या क्वेश्चन ये है कि लोकेशन मिला तो क्या एग्जीक्यूशन मिलेगा ही मिलेगा क्या सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड के अंदर में आ रहा है हम लोकेशन पर डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं एग्जीक्यूशन पे जाए क्यों रहे लोकेशन पे डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं कर रहे यहां पे डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, रहे हैं यहाँ पे भी तो एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग यहां पे एंट्री यहां पे स्टॉप लॉस इसमें क्या प्रॉब्लम है और जबकि मैंने तो ये भी कहा कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग होता है जो है 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 वो तो से से भी strong है, डेली से भी strong है। और अगर ये पिक्चर कैंडल ब्रेक ब्रेकडाउन में हमने समझा था कि जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे जोन वीक होता जाएगा जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे वो जोन वीक होता जाएगा तो फिर हम क्यों जा रहे हैं तो ध्यान से आंसर सुन लीजिए आंसर ये है कि हम इस लोकेशन के ऊपर में ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस वाइड हो जाएगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा पहली बात तो ये उसको आप ये सोचें कि सर आप ये कह रहे मैनेजमेंट में वो मैनेज हो जाएगा लॉस जो हम चाहेंगे वही होगा बिल्कुल वही होगा बट अगर डिस्टेंस वाइड हो गया है और टारगेट टू इस टू वन ले रहे हैं तो टारगेट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा नो प्रॉब्लम हिरल टारगेट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा और हो सकता है टारगेट मिलने में टाइम भी लगे तो एक स्वीट ये है उस चीज का कि हम इस लोकेशन को ही कंसीडर कर रहे हैं ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूशन में जो ट्रेड ले रहे हैं वो लोकेशन को ही कंसीडर कर रहे हैं और उस लोकेशन को कंसीडर करते हुए हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे इस पूरी मूव का इस पूरी मूव का वो एरिया ढूंढ रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है

ये देख रहे हैं कि इस बेस कैंडल और इस लेगआउट के अंदर में कहां पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है हम इस पिक्चर को साथ में लेके चल रहे हैं और साथ में हमारे पास में एक प्लस पॉइंट और क्या है कि हम ट्रेंड को भी साथ में लेके चल रहे हैं तो ट्रेंड और बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर को जब साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये मान में बहुत बड़ी पिक्चर है कि उसके पीछे डेली का ट्रेंड का सपोर्ट है आपके पास में वन टाइम फ्रेम के ऊपर के लोकेशन का वीकली की हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर का सपोर्ट है अगर इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूं जो 125 मिनट पे हम गए हैं तो हमने क्या किया है वो जो मूव थी ना जो वीकली कैंडल की आप देख रहे हैं उसमें से वो एरिया आइडेंटिफाई किया सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ और वो हमें क्या पता लगा कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहां तो हम इस एरिया पे ट्रेड करने की वजह इस पूरे एरिया पे जो ये वाली लाइन देख रहे हैं ना आप लोकेशन वाली इस पूरे लोकेशन पे ट्रेड करने की वजह हम एक छोटे एरिया पे ट्रेड करना चाह रहे हैं जिससे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप कम हो सके और हमारा टारगेट बड़ा हो सके मतलब हम बड़े एरिया को प्ले ना करते हुए हम एक स्मॉलर एरिया को प्ले करना चाह रहे हैं बट वो स्मॉलर एरिया हमने स्मार्ट वे में रिफाइन करके इतना अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर वही है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हमारे वहीं पे है और हम उसी एरिया को ट्रेड करने वाले हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आर आर मिल सके रिमेंबर हम अभी भी हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर का सपोर्ट ले रहे हैं हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर का सपोर्ट और ट्रेंड के पिक्चर का सपोर्ट लेते हुए अच्छा तो और नहीं होता तो नहीं होता कोई दिक्कत नहीं थी उस केस के अंदर में भी तो ऐसा कंफ्यूज ना कि हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली ट्रेड ना लेके स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्यों जा रहे हैं स्मोलर टाइम फ्रेम पे हम उस एरिया को रिफाइन कर रहे हैं सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है उस एरिया को ले रहे ताकि एक छोटा एरिया मिल सके ट्रेड करने के लिए और वो छोटा एरिया वाकई में पावरफुल है या नहीं है वो वाकई में पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि उसे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही वो बना है और हम ट्रेंड को भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं okay. अब सुनिए कुछ एक और पॉइंट और वापस से मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्यूकली क्लास की समरी सुन लीजिए रिवीजन के साथ साथ में कुछ एक पॉइंट भी आएंगे ऐसा मत सोचिए कि रिवीजन है तो क्लास को लीव कर दें कुछ एक पॉइंट भी आएंगे हो सकता है एक दो पॉइंट पॉइंट स्किप हुआ हो तो वो जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो आप लिखने वाले हो तो वो पॉइंट अभी आंसर होने वाला हो तो प्यूकली ध्यान से वापस से सुने सब चीजें सबसे पहले हमने आज ट्रेंड एनालिसिस की और ट्रेंड एनालिसिस के लिए क्या किया अभी जैसे वन मिनट है तो वन मिनट पे देख लीजिए ये रहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवंथ कैंडल सेवंथ कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ये वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं मूविंग एवरेज को और ये मूविंग एवरेज अगर ट्वेल्व और थ्री के बीच में है तो फिर उस केस के अंदर में हम ये कहते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो अप है जो कि अभी अप है मूविंग एवरेज की हमने क्या स्टडी ऐड करी है सिंपल मूविंग एवरेज 50 ऐड किया जिसके लिए हमने क्या किया है एस ए ए ए मतलब एवरेज ढूंढा यहाँ से एवरेज लिया सिंपल ही रहने दिया इसको 50 किया सब ग्राफ में गए थिकनेस बढ़ाई वन टू थ्री किया और अप्लाई कर दिया ये स्टडी आप लोग रिकॉर्डिंग से देख के कर सकते हैं उसके बाद में हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा ट्वेल्व टू थ्री के बीच में अप ट्रेंड थ्री टू सिक्स के बीच में डाउन ट्रेंड थ्री के पैरल है साइडवेज ट्रेंड देखने के बाद में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को जिसकी जरूरत क्यों है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितने भी प्रो ट्रेडर हैं प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते हुए ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं ताकि वो कहीं पे कुछ भी मिस ना करें किसी टाइम फ्रेम पे वो बस एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं कि हमें बायर होना चाहिए या सेलर होना चाहिए और उस टाइम फ्रेम को वो कहते हैं लोकेशन टाइम फ्रेम या फिर कर्व टाइम फ्रेम क्योंकि लोकेशन उन्हें एक आइडिया दे देता है कि हमें बायर होना चाहिए या सेलर होना चाहिए हो सकता है किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे जाके वो ट्रेंड चेक करें उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि हमने चेक किया और फिर कहीं तीसरे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करें mm -hmm. बेसिकली अगर इनको हम सही वे के अंदर में मान के चलें तो उनका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है हायर टाइम फ्रेम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम तीन टाइम फ्रेम है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टकट है एस टी एफ आई टी एफ एल टी एफ हायर टाइम फ्रेम मतलब लोकेशन टाइम फ्रेम जिसको हम कर्व टाइम फ्रेम भी कहते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मतलब ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम जहां पे ट्रेंड चेक करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम एलटीएफ मतलब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जिसको हम ईटीएफ भी कहते हैं इनके भी शॉर्टकट आप ले सकते हैं जैसे ये हो गया टी टी एफ ये ईटीएफ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर में एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान होंगे हायर टाइम फ्रेम वही होगा जो हमारा ट्रेडिंग पर्पस है अब कुछ लोगों के माइंड में एक ये क्वेश्चन आया होगा कि सर इनमें से बेस्ट कौन सा है इनमें बेस्ट कौन सा बेस्ट कौन सा ले हम देखिए बेस्ट जो है अभी उस पर आपको पढ़ना ही नहीं है अभी आप हर हाँ टाइप के ट्रेड ढूंढिए और मैं रिकमेंड करूंगा इनिशियली फोकस कीजिए डब्लू आई के ऊपर में डीआईटी भी देख सकते हैं अभी हम ले तो रहे नहीं है ढूंढिये सभी के सभी अभी सभी के एक्साम्पल ढूंढिए जब ट्रेड लेने वाले प्रोसेस पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फोकस करें उससे पहले हम एक दिन इन सारी ट्रेड के प्रोजेंट कॉन्स भी जान लेंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है मंथली इनकम ट्रेड के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज है वीकली के क्या है डेली के क्या आर्ली के क्या है ताकि आपको व्यू और भी क्लियर हो जाएगा अभी के लिए आपको इन सभी फोर पर प्रैक्टिस करनी है हमारा जो ये ट्रेडिंग पर्पस है यही हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा और इन्हीं पे हमें ये देखना है कि हमें बायर होना या सेलर होना है उनके बाद में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जा रहे हैं डाउन और ये हमने एक टेबल बनाई है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए हम थोड़ा डाउन गए लोअर टाइम फ्रेम के लिए हम थोड़ा और डाउन गए जैसे यहाँ पे वीकली डेली सिक्सटी मंथली वीकली डेली टेबल को हमने और भी एक्सटेंड किया जिसके अंदर में हमें पता लगा कि हाँ और भी टाइम फ्रेम होते तो उनको हमें कैसे देखना है हायर टाइम फ्रेम पे लोकेशन मार्किंग होगी लोकेशन मार्किंग कैसे करते हैं लोकेशन हमें कि हमें बायर होना या सेलर होना उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा कि सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए एक नियरेस्ट वेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट नियरेस्ट्रेस्ट सप्लाई जोन मार्क करना आपको करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए नियरेस्ट वेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क चाह कर लिया ये रहा नियरेस्ट वेस्ट डिमांड जोन इसके अंदर में ये रहा नियरेस्ट वेस्ट सप्लाई जोन

हाई ऑन द कर और वेरी हाई ऑन द कर इसमें हम फोकस करेंगे ज्यादातर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ और इक्वली बिर में हमें ट्रेंड देखना बट हमने ये माना कि एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम ट्रेंड को ऑलवेज कंसिडर करके चले हमारे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम का दोनों का सपोर्ट अगर हमारे फेवर में हो गया तो मतलब हमारा ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा प्लान हो सकता है वीकली के लिए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम है डेली डेली पे हमने गए हमने चेक किया ट्रेंड हमारा अप है ट्रेंड अगर हमारा अप है तो मतलब दोनों फेवर हैं हमारे पास में लोकेशन भी और ट्रेंड भी फिर हम गए और स्मोलर टाइम फ्रेम पे 125 मिनट पे 125 मिनट के ऊपर में हमने जाके ये देखते हैं एग्जीक्यूशन कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है या नहीं है उसके ऊपर में हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक अच्छा एग्जीक्यूशन मिल गया ड्रो बेस रैली एक ऊपर भी एग्जीक्यूशन है हम सभी को मार्क कर देंगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना वो हम कल डिसाइड करेंगे आज एक चीज जरूर पता लगी है कि वेरी लो इन द कर के आसपास जो भी है हमने वर्ड फाइल में लिखा कि उनके अंदर में एक्शन है डेफिनेटली बाई मतलब कहीं ना कहीं वो पावरफुल होते हैं जिनमें हमने ये भी कंसिडर किया कि कभी कभी उनको हम डाउन कुछ एडिशनल और कुछ सपोर्ट हो हमारे पास में बट अभी के लिए वो कंसर्न नहीं है अभी हमने सभी मार्क कर दिए कल हम इनको नंबर दे देंगे नंबर देने के बाद में डिसाइड करेंगे कि वाकई में ये एरिया लेने लायक है या नहीं है तो वो नंबरिंग कल हम करने वाले हैं जिसको हम ट्रेड स्कोर बोलने वाले हैं तो ये हो गया लोकेशन लोकेशन के बाद में ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम और जिसपे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करने हैं वो हमारा हो गया एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान होंगे टारगेट किस बिहा पे होगा अभी के लिए टूट टू वन मान के चले जो एक्जेक्ट टूल है वो आपको बता दिया जाएगा आगे चल के एक बार टेबल को वापस से देख लीजिए जो हमने टेबल के अंदर में डिस्कस किया है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको दोबारा से एक बार वापस से सुन लीजिए शॉर्टकट आप इन सभी की जानते हैं आई टी डी आई टी डब्लू आई टी एम आई टी और एक्सपेंड करना ईयरली इनकम ट्रेड अभी आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल काम में लेनी है ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए सभी के ऊपर में प्रैक्टिस करनी है हायर टाइम फ्रेम वही होगा जो हमारा ट्रेडिंग पर्पस है रूल सारे लिख लिए हैं लोकेशन मार्किंग के दूसरे कुछ एक रूल ये है कि लोकेशन के अंदर में नॉर्मल डिमांड जोन और नॉर्मल सप्लाई जोन भी अलाउड है मतलब उनकी मार्किंग कंसिडर करते हुए हमें ना तो क्लोजिंग को सीरियसली लेना है ना नंबर ऑफ बेस कैंडल को ना लेग आउट कैंडल को उनके अंदर में नॉर्मल है तो भी चलेंगे जरूरी नहीं कि वो स्ट्रोंग है जरूरी नहीं कि उनमें मल्टीपल लेग आउट हो वो सब की सब चीजें हमें एग्जीक्यूशन में चाहिए एग्जीक्यूशन में जरूरी है कि ये सब चीजें हों एक्सेप्शनल मार्किंग का रूल दोनों में सेम होगा, चाहे लोकेशन मार्किंग हो, चाहे कर मार्किंग हो वो दोनों में सेम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा अभी के लिए एक्जी क्यूशन आप टूटन इनिशियली सेट कर सकते हैं कल आपको प्रॉपर रूल दे दूंगा मैं आपको क्वेश्चन ये था कि हम लोकेशन पर डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम

वो इस आंसर को देख ही नहीं पाएंगे और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी एक चीज और हमें ध्यान में रखने की कि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का लोकेशन है ना उसी के वहीं तक हायर टाइम फ्रेम का जो लोकेशन की डिस्टल लाइन है सिर्फ और सिर्फ वहीं तक हमें हमारे एग्जीक्यूशन को देखना है मतलब यहां तक ही अगर इसके नीचे कोई एग्जीक्यूशन है ये वाला तो ये रिमेंबर कि जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना तो हमारे इस एरिया को इसमें तोड़ दिया अगर इस एरिया को ब्रिज कर दिया जब हायर टाइम ही फ्रेम ही ब्रिज होगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए ये जरूर चेक करना है मल्टीपल अगर किसी में डिमांड जोन मिल गए तो ये जरूर चेक करना है कि वो एग्जीक्यूशन लेने लायक है या नहीं है ये हम कल के दिन पढ़ने वाले हैं और जो मैंने बताया कुछ लोगों के माइंड में ये भी डाउट आया होगा लोकेशन के अंदर में जब प्राइस है अभी वो किसी दूसरे सेक्शन में भी जा सकती है लो इन द कर इक्विबरियम वो कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो ट्रेंड हम चेक कर रहे हैं और बेसिकली एग्जीक्यूशन कहाँ है ये चेक करना है कि एग्जीक्यूशन लो इन द कर है या वेरी लो इन द कर है या इक्विबरियम में है वेरी लो इन द कर में अगर पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो बट ज्यादा बेटर रिजल्ट के लिए हमें अप ट्रेंड देखें तो ज्यादा बेटर है

अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक ढूंढिए उसमें कोई भी ट्रेड सेटअप ढूंढिए अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो कल की क्लास में आप लोगों को सच में मजे आ जाएंगे और जो कुछ भी माइंड के अंदर में डाउट आएगा वो सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा सभी तो बोला ना पार्ट वन एंड पार्ट टू सर एक जोक सुना दो कल मार्केट निफ्टी वन थाउजेंड प्वाइंट अप जाएगी मजे आ गए यस बिल्कुल जोक के लिए बोला तो मैंने जोक ही सुना है इसको सीरियसली ना लें पता चले सुबह पहले निफ्टी की कॉल भर भर के बाई कर ली जैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल बनते ना वो आंसर दे दिए और अभी भी कुछ एक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है भी किसी के माइंड के अंदर में जो कि आंसर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो आज की क्लास से रिलेटेड हो ही नहीं सकता वो कल की क्लास का ही है वो क्वेश्चन देखा कि उन्होंने एडवांस देख रखे वो बोल रहे हैं सर व्हाट अबाउट श्री कृष्ण एग्जाम्पल वो डियर कल का एग्जाम्पल है कल की क्लास से रिलेटेड है विपिन लॉन्ग ट्रेड का मतलब हम बाई कर रहे हैं लॉन्ग का मतलब डिमांड जोन पे बाई करने वाले शॉर्ट का मतलब हम सेल की कोई ट्रेड देख रहे हैं गुड गुड नाइट नाइट देवा हर चीज पे अप्लाई होगी ये जो एनालिसिस हम सीख रहे हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो चाहे वो कोई भी एसेट ऑफ क्लास हो कमोडिटी हो फॉरेक्स हो करेंसी कुछ भी हो सभी पे अप्लाई होगी चाहे वर्ल्ड मार्केट भी क्यों ना हो उस पे भी होगी ओके अक्षय का एक क्वेश्चन है कि सर ट्रेंड हम सेम टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं देख रहे ऊपर वाले पे क्यों देख रहे देखिए अक्षय क्या है कि ये जो टेबल बनाई है ना ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट सही मिल सके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी जो एक्यूरेसी है वो हमें मिल सके उसके भी आप मंथली के ऊपर में ट्रेंड देखते हैं कोई दिक्कत नहीं चाहे तो आप वो देख लें आप डेली पे देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है डेली पे भी देख सकते हैं बट बेस्ट ये कि इन दोनों के बीच में देखें ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि डेली के ऊपर में ट्रेंड जल्दी चेंज हो जाता है लेकिन वीकली पे टाइम लगता है वीकली पे अगर ट्रेंड हमारे फेवर में आ गया ना तो फिर इसका मतलब ये कि हमने एक एक अच्छी पकड़ बना ली है मार्केट में एक बुल रन के अंदर में एक अच्छी पकड़ बना ली अब ट्रेंड है तो डेली पे ट्रेंड जल्दी चेंज हो जाता है और फिर आप ये सोचें कि इस चक्कर में फिर मंथली का वेट क्यों नहीं कर रहे इतना भी लेट नहीं होना कि ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलते मिलते रैली खत्म हो जाए इसलिए जो सेटअप बना है वो सबसे बेस्ट है कि हमें वेट करना है बेसिकली वीकली का मतलब जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उसका और एग्जीक्यूशन मैंने बता ही दिया कि इस पे ना लेके इस पर ले रहे हैं उस एरिया को रिफाइन कर रहे हैं इन दोनों का सपोर्ट हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसा नहीं कि इनका सपोर्ट कंसिडर नहीं कर रहे इनका तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं नहीं राहुल अगर एम पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं और डेली के ऊपर में एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि फिर 125 पे जाएं 75 पे जाएं और भी नीचे जाएं फिर वो ट्रेड परपस चेंज हो जाएगा फिर हो सकता है एम को डब्लूआईट में शिफ्ट कर दें वो जब आप प्रैक्टिस चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एम ट्रेड भी डब्लू में कन्वर्ट हो सकती है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट इंड क्लोजिंग सम दोनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है अचीवमेंट इन क्लोजिंग जिसकी क्लोजिंग अच्छी उसी में हम कहते हैं कि हाँ इसका अचीवमेंट अच्छा है बेसिकली और जब अग्रेसिव और कंजर्वेटिव को और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा इस चीज के अंदर में बाकी अभी आप सेम मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं एकदम से दूसरा आपने क्या पूछा इफ लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन ब्रीच हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन देन वॉट विल है इसका एक रूल बताऊंगा आपको कि जब भी कोई भी लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन किसी भी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को तोड़ देता है तो वो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है बट वो आगे चल के मैं बताऊंगा आतिशा एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देखें आई एम श्योर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और कल की क्लास में क्लियर हो जाएगी पढ़ाने का तो रिकमेंड है थैंक यू सो मच तिराग प्राइस कर में है ट्रेंड डाउन है तो बेसिकली सूरज हमें ऐसी चीज को अवॉइड करना चाहिए हमें बेसिकली उसी चीज पे फोकस करना है कि या तो वेरी लो इन द कर में है डाउन ट्रेंड में हो ट्रेड सेटअप अच्छा है अदरवाइज थोड़ा सा इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा सर लोंग की शोट्रेड ये बताई दिया ओके महाभारत का एग्जाम्पल कल पढ़ेंगे आपको ट्रेडिंग किसने सिखाई है ये तो मैं पेट से सीख के आया था मम्मी के पेट से ही। ओके गुड नाइट सर गुड नाइट ओके अक्षय का क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गया है ठीक है यस yes, नारायण सब चीजें खुद से स्टडी किए हैं गुड नाइट विजय ओके समत का क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया है थैंक यू सो मच हितेंद्र गुड नाइट ओके थैंक यू और देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन है क्या सर हायर टाइम फ्रेम पे जो रिट्रेसमेंट लाइन मार्क करते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पर भी अपियर रहती है यस हायर टाइम फ्रेम पे जो भी पोमान मार्क करेंगे वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी विजिबल होगी डोंट वरी नितिन इसके रोल बताऊंगा और जरूरी नहीं कि जैसे कि इतनी सारी कंपनियां तो हर एक कंपनी के ऊपर में हम रिसर्च करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं करना है हम लिमिटेड जो एक लिस्ट है बिग बिक्टेड लिस्ट ले लीजिए और भी कम करने है, तो निफ्टी ले लीजिए निफ्टी फिफ्टी ले लीजिए या फिर अपने सेलेक्टेड स्टॉक ले लीजिए टेन फिफ्टीन ट्वेंटी कि मैं बस इन्हीं के साथ में कंफर्टेबल हूं उनके ऊपर में कीजिए ये भी एक बहुत अच्छी होती है हर एक स्टॉक के ऊपर में मैं ही आज तक नहीं गया आज तक मैं ही नहीं गया जितने कम स्टॉक रखेंगे ना पकड़ उतनी अच्छी होगी प्राइस एक्शन पे ये आप समझ लीजिए कि जितने कम स्टॉक रखेंगे पकड़ उतनी अच्छी होगी एनीवेज ये सारे रूल मैं बताने वाला हूं आपको टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे गुड नाइट ओम। नहीं नीले लोकेशन के अंदर में क्लोजिंग ज्यादा नहीं देखनी है जब ट्रेड फाइंड किया तो अब ट्रेंड हो और फिर हो सकता है डाउन हो गया हो तो ऐसे केस के अंदर में हो सकता है उस ट्रेंड को कंपनसेट करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज का सपोर्ट चाहिए फिर वो हम आगे पढ़ेंगे गुड नाइट किशोर गुड नाइट विष्णु वो तब का तब देखेंगे सिद्धार्थ एडवांस वाले इलेवंथ क्लास तक ऐसे स्मार्ट बनेंगे <laughs> नहीं ऐसा नहीं है वो उसके बाद में भी स्मार्ट रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्योंकि जिन्होंने भी कोर्स पहले परचेज कर लिया था उनको ट्वेंटी क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई थी तो हो सकता है कि वो ट्वेंटी क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग देख के बैठे और जहाँ तक कि मुझे मेंटोर का फीडबैक मिला है मैंटोर यही कह रहे हैं कि सर ये सभी के सभी ऑलमोस्ट ट्वेंटी क्लास तक रिकॉर्डिंग देख देख के बैठे हैं इन्होंने नोट्स भी बना रखे हैं उस चीज के यस विशाल वाई नोट चेक कर सकते हैं हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं हम चाहे हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हो चाहे इनकम ट्रेड हो ये सभी रूल सभी सेम रहेंगे थैंक यू सो मच अंकित थैंक यू सो मच राजकुमार गुड नाइट गुड नाइट रितेश यस संजय शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं तो हमें डाउन ट्रेंड ही चाहिए सबके मैसेज पढ़ रहा हूं मैं वन बाय वन करके कभी कभी मैं सोचता हूं सारे मैसेज रीड करूं बट मुझे पता है कि वो कभी भी नेवर एंडिंग है कभी खत्म नहीं होंगे वो इसलिए प्रफुल क्योंकि मैं आजकल खुद की ट्रेडिंग पे ज्यादा वो रखता हूँ उस चक्कर में मैंने क्लासेस भी बहुत कम कर दिए प्रमार मैंने वर्ड फाइल ओपन कर दी है आप ऐसे रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो भी उससे भी स्क्रीन ले सकते हैं और स्क्रीन क्यों खुद नोट्स बनाएगा ज्यादा बेटर रहेगा नहीं चंद्रू ओल्ड टाइम हाई स्टॉक में हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि देखिए कोई डेटा ही नहीं है जब कोई सप्लाई जोन ही नहीं है तो अननेसेसरी कैसे सेल करेंगे टली रिस्की है हमें नहीं पता ना कहां तक प्राइस जा सकती है कंटिन्यू हाई रह सकता किसी ने सोच के सोच के चलो कि अडानी इंटरप्राइजे का शेयर 200 250 चल रहा था किसी ने 400 पे सोचा बहुत हाई आ हा गया और वहां पे किसी ने सेल कर दिया तो आज तक वो सेल में ही है सब कुछ उसका ही सेल हो गया होगा फिर तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करनी है दीपक सिक्सटी मिनट पे क्यों नहीं ले रहे वन पे दीपक 125 जो हो वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है ये ओके दत्ता का क्वेश्चन भी सेम था अक्षय के क्वेश्चन की तरह उसको ऑलरेडी आंसर कर दिया यस सत्यम सेल की ट्रेड इंटरडे होगी बट ऐसा नहीं कि एमआईटी सेल नहीं कर सकते एमआईटी ट्रेड हो सकता है सिंगल डे में हमें टारगेट दे दे डब्ल्यू एटी हो सकता है हमें सिंगल डे में टारगेट दे दें वरिंदर मैं देख रहा हूं अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं उसका भी आंसर करूंगा यस संजय शॉर्ट के अंदर में डाउन ट्रेंड ही प्रेफर है ओके okay, वो सारे वही क्वेश्चन हैं नितिन ऑलरेडी आंसर कर दिया सर आप लिमिटेड कुछ एक स्टॉक ले लीजिए कन्फ्यूज नहीं होना चाहे अपनी मर्जी से कोई भी दस स्टॉक उठा लीजिए उन्हीं में देखिए उनमें दस में कुछ नहीं मिला तो दो चार और देख लीजिए उनमें नहीं मिला तो कुछ और ऐड कर लीजिए बस लिमिटेड रखेंगे उसमें भी कोई इश्यू नहीं इतने सारे में देखने की जरूरत ही क्या मैं ही नहीं देख पाता मैं क्या कोई भी नहीं देख पाएगा इतनी कंपनी और हर दिन कोई ना कोई लिस्ट होती रहती है ओके okay, तो बेसिकली अभी सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं मे बी कि उनके क्वेश्चन में पहुंचने से पहले उन्होंने वापस उसको कॉपी पेस्ट कर दिया ओके गाइस सो दैट्स ऑल फॉर नाइट टेक केयर एंड बाय